गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी आई क्यू आज हम नया मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एन सी आर टी है उसको कम्पलीट करेंगे प्रीवियसली हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की एन सी आर टी कवर करी थी जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की जितने भी यूपीएससी सेंट्रिक टॉपिक्स थे वो सारे हम कवर कर चुके थे तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना मैंने वीडियो में पढ़ाया उसके बाद जब आप एनसीआर को अप्रोच करोगे यू विल फाइंड इट रियली रियलीजी टू रीड क्योंकि मोस्ट ऑफ़ दी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि नहीं समझ आ रहा होता कि मैम एनसीआर किस तरीके से पढ़नी है कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है कौन से छोड़ देने हैं क्या पूरी एन कवर टू कवर पढ़नी है सारे चैप्टर पढ़ने हैं तो इसका आंसर मैंने आपको जब मैंने एनसीआर के मैराथन कराया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का वहाँ पे दिया था सिमिलरली आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स

Okay is my voice too low is it fine now is it fine now is it fine now <coughs> can someone confirm that uh क्या दिक्कत आ रही है माइक्रो <clears> इकोनॉमिक्स <throat> oh हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले कैन समबडी कन्फर्म इज द वॉइस फाइन नाउ क्या कोई कन्फर्म कर सकता है इज इट स्टिल लो

एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द लाइफ फाउंडेशन बैच बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में स्टिल देर आर डाउट देर आर क्वेरीज विध रिस्पेक्ट टू दी लाइफ फाउंडेशन बैच तो स्टूडेंट्स लाइफ फाउंडेशन बैच में जो आपकी फैकल्टीज हैं आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करेगी लेट सपोज माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीआर टी में वहाँ कवर करा रही हूँ यहाँ पे आप लिमिटेड लेवल तक ही डाउट्स पूछ पाते हो ऑन द यूट्यूब चैनल एज वेल आपके जो डाउट्स है वो चैट बॉक्स में होते हैं वहाँ पे यू कैन एक्चुअली रेज योर हैंड एंड आस्ट जैसे कि आप किसी

आज वाली तो पढ़ लो आप लोगों को आई डो नॉट नो स्टूडेंट्स को ये क्या प्रॉब्लम होती है कि जो हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना दे हैव टू शिफ्ट टू नेक्स्ट की मैम वो चीज़ आप कब कराओगे वो उसका नंबर भी आएगा जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स करी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का नंबर आया जैसे माइक्रो आया इसके बाद हम जो और अदर इंपॉर्टेंट एनसीआरटीज हैं इकोनॉमी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वी विल ऑल्सो कवर दैट स्टूडेंट्स बिफोर वी स्टार्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को होगा कि मैम क्या सारी एनसीआरटी आज, आज आप पूरी करा दोगे आज के सेशन में सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा नहीं स्टूडेंट्स प्लीज़ बी वेरी क्लियर विद दिस जो ट्वेल्थ की माइक्रो इकोनॉमिक्स की एन सी आर टी है इट इज़ वेरी लेंदी वी विल ब्रेक इट इन पार्ट उनको पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे सो टूडे इज द पार्ट वन ऑफ द सेशन जहां हम आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है कभी खोल के देखी आई डोट नॉट नो आप लोगों ने खोल के देखी भी है या नहीं आप कंप्लेन ही करते रहते हो तो कि मैम नहीं समझ आ रही नहीं समझ आ रही है सो माइक्रो इकनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर टू एंड चैप्टर थर्ड वी विल नॉट बी एबल टू कम्प्लीट विल ट्राई दो हम ट्राई करेंगे कि थर्ड चैप्टर भी पूरा हो जाए जहाँ पे नेशनल इनकम एनेज अकाउंटिंग के बारे में बात करिए बट अगर नहीं होता है वील कंटिन्यू इन दी अदर सेशन सो लेट इस्टार्ट लेट स्टार्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स एन सी आर टी सो फर्स्ट ऑफ़ स्टूडेंट्स वाई डू वी नीड टू टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों बात करनी पड़ रही है अभी तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी सो वॉट डि वॉट इज

Uh, आपके ऊपर है मनजीत इट्स ऑल अबाउट योर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बिकॉज एन सी आर टी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है दैट इज वाई आई एम हेयर विद दिस सेशन इट इज़ ऑल ऑन यू नहीं पढ़नी है आप सीधा लाइफ फाउंडेशन बैथ से स्टार्ट कर सकते हैं इट इज इट इट इज ऑल सब्जेक्टिव इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी स्टूडेंट्स नाउ लेट इज स्टार्ट या सो वी वो टॉकिंग अबाउट दो ब्रांचेज हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बात कर रहे थे हम इंडिविजुअल लेवल एक व्यक्ति एक फैक्ट्री एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लेवल पर बात कर रहे थे अब हमें माइक्रो इकनॉमिक्स को सेपरेटली क्यों पढ़ना पड़ता है वाई डू वी नीड टू टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स इट इज सेड दैट और इट इज इट इज इट इट आफ्टर दी स्टडीज इट वॉज फाउंड दैट वॉट एवर इज द राइट एट द इंडिविजुअल लेवल जो चीज इंडिविजुअल लेवल पे सही है ज़रूरी नहीं है वो एग्रीगेट लेवल या मैक्रो इकोनॉमी लेवल पे भी सही हो फॉर एन एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि एक फार्मर को पता चलता है कि अगर मैं राइस का कल्टिवेशन करूँगा राइस उगाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा उससे राइस सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है ठीक है मान लेते हैं दैट्स अपोथेटिकल एग्जाम्पल ठीक है तो अब यही वाली साइक की सारे फार्मर्स रखेंगे बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू तो मैक्सिमाइज दे प्रॉफिट सब प्रॉफिट ज़्यादा ज्यादा अर्न करना चाहते हैं तो सारे फार्मर्स क्या करेंगे दे विल स्टार्ट स्टार्ट कल्टिवेटिंग राइस तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा देश में एट द एंड ऑफ द ईयर दे विल बी जस्ट द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द इकोनमी देन व्हाट अबाउट द पल्सेस व्हाट अबाउट द वीट वाट अबाउट द मेज वट अबाउट द एडिबल ऑयल सीड्स उसके लिए हमें इंपोर्ट पे डिपेंड करना पड़ेगा सो so, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं तो सही है इंडिविजुअल के नजरिए से देखें सो द पर्सन विल डू दैट बिजनेस और दैट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप जो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट फेच करके दे बट अगर यही सब सारे इंडिविजुअल्स यही सोचने लग जाए सो दिस डिसीजन इज नॉट फीजिबल दिस डिसीजन इज नॉट वाइबल वेन वी टॉक एट दी माइक्रो इकोनॉमी लेवल राइट right? क्योंकि सिर्फ पूरे देश में क्या उग जाएगा सिर्फ और सिर्फ राइस होगा दूसरी चीज़ों के लिए हमको इम्पोर्ट पर डिपेंड करना पड़ेगा और हर चीज़ के लिए वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन इम्पोर्ट क्यों क्योंकि उससे फूड सिक्योरिटी पे थ्रेट है हमारा कि भाई सिर्फ हमारे देश में तो चावल है बाकी सारी चीज़ें आती हैं बाहर से ठीक है सो दैट इज़ बाय दैट इज़ बाय वी हैव टू स्टडी फ्रॉम इकोनॉमी फ्रॉम द अदर परस्पेक्टिव ऑल्सो एंड द अदर परस्पेक्टिव इज द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल एग्रीगेट लेवल पे देखेंगे कि इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करनी चाहिए आई होप आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ दैट वाई डू वी नीड टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स बट वट एवर वॉट एन इंडिविजुअल इज कंज्यूमिंग परफॉर्मिंग बिहेविंग हम कंक्लूड नहीं कर सकते लेट सपोज एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड दे मोस्टली डिपेंड अपॉन राबी क्रॉप्स ठीक है ना और से एक स्टेट को हम जनरलाइज कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट है उसका नाम दे देते हैं एबीसी ठीक है एंड इट मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन इन दैट स्टेट इज ऑफ राबी क्रॉप्स कैन वी कंक्लूड दैट कि पूरे देश में सिर्फ राबी क्रॉप्स या प्रेफरेंस राबी क्रॉप्स को दी जानी चाहिए नहीं बिकॉज जरूरी नहीं है दूसरे स्टेट का कंजम्पशन पैटर्न टुगेदर डिफरेंट हो सकता है राइट एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड में सेविंग मान लीजिए अगर सैलरी है उसका 50 परसेंट दे आर सेविंग सो वी कैन नॉट कंक्लूड कि एवरी इंडिविजुअल हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी इज सेविंग 50 परसेंट ऑफ दर सैलरी एंड दैट इज वाई वी नीड टू सी कि ओवरऑल पूरे इकोनॉमिक लेवल पे क्या सेविंग का रेट है वॉट इज द रेट ऑफ सेविंग टू द जी डी इज द रेट ऑफ टैक्सेशन टू द डी राइट सो द नीड टू स्टडी दी माइक्रो इकोनॉमिक्स नाउ बात करते थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि कैसे मैक्रो इकोमिक्स इवॉल्व हुई सबसे पहले मैं आपको बोलता कोई भी चीज पढ़नी होती तो हमें पता होना चाहिए हम पढ़ क्यों रहे हैं अब मैंने ये आपको बता दिया कि वाई आर वी रीडिंग और टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स सो नाउ लेट्स बैक ट्रैक एंड टॉक अबाउट हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इवॉल्व तो कहीं ना कहीं एक स्कॉटिश फिलोसफर थे जिनका नाम था एडम स्मिथ तो एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नॉट दैट कि इन्होंने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट को डेवलप किया था बट कहीं ना कहीं इनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टू द मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड दैट इज वाई दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये सारी चीजें आपके चैप्टर वन में दी हुई हैं जब आप एनसीआर उठाएंगे इस सेशन के बाद यू विल फाइंड दैट देयर इज अ पैराग्राफ विच टॉक्स अबाउट एडम स्मिथ सो एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन्होंने क्या थ्योरी प्रोपोगेट की इन्होंने जो थ्योरी प्रोपोगेट की वो थी लेफेयर अब ये लेस फेयर क्या होता है लेजेस फेयर का मतलब होता है फ्री मार्केट फ्री मार्केट क्या होती है इनका मानना था कि जो देश में सरकार होती है जो देश में गवर्नमेंट होती है उनका जो रोल होता है दैट शुड बी मिनिमलिस्टिक बहुत ही मिनिमलिस्ट रोल होना चाहिए कि वो uh, जो uh, हमारी टेरिटरीज है उनको गार्ड करे दे शुड थिंक अबाउट सिविल लॉस बट दे शुड नॉट इंटरवीन कि क्या प्रोड्यूस होना चाहिए क्या कंज्यूम होना चाहिए किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए दैट शुड बी लेफ्ट टू दी फ्री प्ले ऑफ इकोनॉमी लेट द पीपल डिसाइड लेट द इंडिविजुअल डिसाइड कि उनको क्या कंज्यूम करना है क्या प्रोड्यूस करना है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर इनका मानना था कि अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल अपना अपना भी सोचने लग जाए बिकॉज जब कोई इंडिविजुअल सोचता है तो वो अपने लिए बेस्ट पॉसिबल वे में सोचता है बेस्ट मैनर में सोचता है तो अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल अपना सोच ले तो देश का उत्थान अपने आप हो जाएगा गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू इंटरवेयर सो ही प्रोपोगेटेड थ्योरी ऑफ फेयर ठीक है बहुत टाइम उस टाइम जो कंट्रीज हैं वो इस मॉडल पे चली कि अपना अपना सोचो अपना अपना सोचोगे तो देश का भला अपने आप हो जाएगा वेरी गुड ज्योति नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट राइट सो उसके बाद ही वॉज दी ऑल्सो ऑथर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है एंड ही वॉज द वन ही वॉज द वन हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जी टी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसके बारे में थ्रू आउट थ्रू आउट जब तक आपका यूपीएससी का पेपर नहीं क्लियर हो जाता इंटरव्यू नहीं हो जाता यू हैव टू ट अबाउट दिस टर्म की क्या जी डी पी में ट्रेंड्स चल रहे हैं वेरियस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है जी डी पी पे तो अब से आज से जब आप जी डी पी टर्म सुनना चालू करोगे टिल दूव टिलउट दिसक्योर की जब हम जी डी पी के बारे में बात करेंगे यू शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर विद फुल अटेंशन देना है आपको क्लास में कि जी डी पी एक्चुअली होता क्या है सो हू क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट

प्रोटेक्टिंग नेशनल बॉर्डर्स भाई करो जाके आर्मी प्रोवाइड करो सिविल लॉज इन्फोर्स करो पब्लिक वर्क मतलब सीवेज लाइन गैस पाइप लाइन बिजली के खंबे ऑल ऑफ दैट इतना ही रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का ठीक है इसी के बेसिस पे क्लासिक ट्रेडिशन स्कूल ऑफ क्लासिक ट्रेडिशन डेवलप हुआ इन्होंने इनका क्या विश्वास था दिस वॉज द स्कूल ऑफ थाट इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट तो इन लोगों का मानना था कि <coughs> ऑल द लेबरर्स हु आर रेडी टू वर्क विल फाइंड द इम्प्लॉयमेंट जितने लोग काम करना चाहते हैं देश में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जो फैक्ट्रीज है मतलब दे, दे यूज टू तो बिलीव दैट ऑल द फैक्ट्रीज विल वर्क एट देयर फुलेस्ट लेवल फुलेस्ट कैपेसिटी पे काम करेगी और जितने भी लोगों को काम चाहिए जितने भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए नौकरी चाहिए वो उनको मिलेगी दिस वॉज द बिलीफ ऑफ दी स्कूल ऑफ क्लासिक ट्रेडिशन ठीक है ये थ्योरी चलती गई चलती गई चलती गई उसके बाद 1929 में बहुत बड़ा झटका लगा 1929 में क्या आया ग्रेट डिप्रेशन स्टॉक्स क्रैश हुए ठीक है जो uh, फैक्ट्रीज थी ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में से डिमांड गायब हो गई डिमांड जो कंजम्पशन डिमांड थी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने की जो डिमांड होती है वो ऑल टुगेदर कहीं ना कहीं सिंक कर गई नाउ लेट अस नॉट गेट इनटू द रीजंस कि क्यों ऐसा हुआ क्योंकि ऑल टुगेदर एक वो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज ग्रेट डिप्रेशन नाइनटीन ट्वेंटी सॉरी नाइनटीन में आया नाइनटीन में जब ये आया तो इसका जो इफेक्ट था इट वॉज ऑन ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड डिमांड क्रैश कर गई अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बिफोर दी ग्रेट डिप्रेशन वॉज समवे अराउंड थ्री परसेंट तीन परसेंट ही थी बेरोजगारी बढ़ गई पंद्रह परसेंट तक ठीक है लेकिन एडम स्मिथ तो बोल के गए थे सब अपने आप सही हो जाएगा अपना अपना सोचो इंडिविजुअल फैक्ट्री अगर अपना सोचेगी तो सब अब, सारी बस वो सोचते जाए और अपने आप देश का भला हो जाएगा सबको नौकरी मिलेगी लेकिन अब कुछ सही हो ही नहीं रहा था अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो बढ़ता जा रहा था आउटपुट जो है फॉल कर रहा था क्यों आउटपुट फॉल कर रहा था क्योंकि डिमांड ही नहीं थी इकोनॉमी में ठीक है उसके बाद एक बहुत ही महान शख्सियत आए बहुत ही महान शख्सियत आए जिनका नाम था कुछ करना पड़ेगा क्या करें तो एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट आए फॉर हु डेवलप्ड हुईन थ्योरी एंड ही एक नई थ्योरी दी विच वाज कॉन्ट्रोडिक्टी टू दी एडम स्मिथ थ्योरी एडम स्मिथ क्या कहते थे सब अपना अपना सोचो सब सही हो जाएगा जॉन कीन्स आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन सेड कि ये जो थ्योरी अपना अपना सब सही हो जाएगा अपने आप सही नहीं होगा गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा बिकॉज इफ वी कीप ऑन वेटिंग लाइक दिस कि अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी दिस विल नेवर हैपन गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड एस टू वॉट विल बी प्रोड्यूस गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडिविजुअल्स ठीक है ना और ये सब किसने प्रोपोगेट किया था इट वॉज प्रोपोगेटेड बाई जॉन कीन्स ही वॉज द ऑथर ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इनके जो मॉडल को जहां कहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है विच वॉज कॉन्ट्राडिक्टरी ये एकदम कॉन्ट्राडिक्ट्री हो गया टू वॉट एडम स्पिथ सैड सो दिस थ्योरी वॉज कॉन्ट्राडिक्टी विच थ्योरी कीनेशियन थ्योरी ऑफ इकनॉमिक्स प्रपोज दैट द इकॉनमी माइ टॉट हैव दू करेक्ट इड से खुद ठीक होगा इन्होंने बोला नहीं गवर्नमेंट है इंटरवेंशन जरूरी है सो विद माइक्रो इकोनॉमिक्स एमर्स एज दट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स क्योंकि हमें चीजें अब एग्रीगेट लेवल पे भी देखनी है एंड दैट इज वेयर ऑल टूगेदर इिफरेंट और अ सेपरेट ब्रांच वॉज काउट ही एडवोकेटेड द नीड ऑफ एक्टिव गवर्नमेंट क्या बोला था एक्टिव गवर्नमेंट तो स्टूडेंट जब मैं ये

कि मैम ये कैपिटलिस्ट क्या होता है सो स्टूडेंट्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से डिफाइन होते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस हु डिसाइड्स कि क्या प्रोड्यूस होगा किस तरीके से चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी क्या चीज़ें कंज्यूम होंगी जो ये सेटअप होता है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटअप्स एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वी डिसाइड डिपेंडिंग अपॉन दैट वी डिसाइड कि वेदर एंड इकोनॉमिक सिस्टम इट इज अ कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या वो सोशलिस्ट इकॉनमी है क्या वो मिक्स्ड mi इकॉनमी है जैसे कि इंडिया या फिर वो कम्युनिस्ट कल्चर है तो ये कैसे डिसाइड होगा डिपेंडिंग अपॉन हाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करी थी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में जितने भी चीजें चाहिए होती है हमें कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आई थिंक मोस्ट ऑफ यू

ट आर दोन विच वी टॉक्ट अबाउट वेन वी वर कम्पलीटिंग आर माइक्रो इकोनॉमिक धीरज नमस्ते चलिए जल्दी से बताइए कि वॉट आर दी फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन श्रीजन इज देयर बिलीवर इज देयर यूपीएससी चेयरमैन ऑल ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड एज टू व्हाट आर दैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से चार फैक्टर्स होते हैं जो हमें कुछ भी चीज प्रोड्यूस करनी हो वो चाहिए ही होते हैं दे आर बेसिक फॉर प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स एंड सर्विस दैट यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस इट इज इट इज कैपिटल लेबर लैंड एंड एंटरप्रेन्योर वेरी गुड ज्योति रूपम माय क्वेश्चन वाज़ व्हाट आर दी फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वॉट आर दी फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरी गुड एम किप्रेन्योर और बताइए वॉट अबाउट दी अदर्स बाकी सब क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं क्लास में चिमन क्या बात हो गई चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आदित्य वेरी गुड रुपेश टेल मी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल इज डिनोटेड बाय के एंड आप कहोगे मैम सी होता है कैपिटल बट इट इज डिनोटेड बाय के एंड दैट इज बाय आई रोड के चलिए ठीक है सो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से गवर्न होंगे दैट इज वॉट विल डिसाइड कि क्या इकोनॉमिक सिस्टम है इन चारों में से नाउ वी विल

तो जब आप नोट्स बनाओगे कैपिटलिस्ट उसके आगे क्या लिखोगे एवरीथिंग इज इन प्राइवेट हैंड्स मिनिमलिस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन विस्टम कैपिटल क्या पढ़ रहे हैं सिस्टम जिसमें मिनिमलिस्ट क्या होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन ठीक है हु हैज द मेजर रोल टू प्ले इट इज द प्राइवेट एक्टर्स प्राइवेट इंडिविजुअल रोल टू प्ले अब अगर प्राइवेट लोगों के हाथ में चीजें दे दी वॉट विल दे डू चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे दे विल मैक्सिमम इंपॉर्टेंस टू मैक्सिमाइजेशन और इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट्स। ठीक है ना उनका क्या वो दे दे विल विल वर्क इन सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा हो वेलफेयर ऑफ द इकोनमी के बारे में बातें कम होंगी या वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि वेलफेयर का काम किसका है इट इज यूजअली कंसिडर्ड एज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट सिस्टम है गवर्नमेंट की प्रेजेंस है गवर्नमेंट की प्रेजेंस क्या है बहुत ही मिनिमल है सो कैपिटलिस्ट सिस्टम इज वन सच सिस्टम वेयर देर आर प्राइवेट एक्टर्स एक्टर्स और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाई प्राइवेट एक्टर्स एजेंडा इज वॉट एजेंडा इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ये दो की आपके नोट्स का पार्ट बनना चाहिए नाउ लेट एस सी वॉट आर दी एडवांटेजेस बिकॉज हर इकोनॉमिक सिस्टम के एवरी थिंग सी स्टूडेंट्स एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स देर इज हेड्स एंड टेल्स सो इज विद एवरी थिंग यू डू एवरी थिंग इज एज इट हैज इट्स ओन प्रोजन कॉन्स सो सेम इज़ विद दैपिटल सिस्टम इट हैज इट्स ओन एडवाटेजेस एंड डिस तो क्या एडवांटेजेस होंगे आपको क्या लगता है कि कैपिटल सिस्टम में क्या एडवांटेजेस होंगे ड्यू यू थिंक दैट देर बी एफिशियट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों क्योंकि मैक्सिमाइजेशन करना है प्रॉफिट का तो वो कब होगा जब रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज होंगे राइट चॉइसिस विद द इंडिविजुअल विल इंक्रीज बिकॉज गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है ये डिसाइड करना व्हाट एवर द कस्टमर वॉन्ट्स व्हाट एवर द कंज्यूमर वॉन्ट्स व्हाट एवर द सिटीजन वॉन्ट्स दैट विल बी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ठीक है ना जो सिटीजन्स को चाहिए जो कस्टमर को चाहिए वही प्रोड्यूस करेंगे जो प्रोड्यूसर्स है क्यों बिकॉज दे वॉन्ट टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स क्योंकि जब वो सर्व करेंगे इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स दैट इज वेयर देयर प्रॉफिट विल मैक्सिमाइज तो दिस इज वेरी लॉजिकल कुछ इसमें टेक्निकल चीज है नहीं

क्योंकि सबको पता है कि जब तक रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा तब तक प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा एज सिंपल एज दैट नाउ लेट लेट्स गो थ्रू दी डिसएडवांटेजेस अभी हमने क्या देखा था एडवांटेजेस नाउ वील सी व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले अगर बात करें कैपिटलिस्ट सिस्टम की दैट देर इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल दैट टेक्स प्लेस एंड वॉट पीपल मीन पीपल मतलब लेबर क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स लेबर लॉ है लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है सो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस बाई दी हैंड्स ऑफ द फर्म दे वुड वॉन्ट की लेबर जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे मैक्सिमम घंटे तक काम करे विदाउट ब्रेक्स काम करे क्योंकि तभी तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा क्योंकि मेरा एजेंडा क्या है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है एजेंडा तो जब तक मेरे रिसोर्स फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करेंगे फुल विगर के साथ काम नहीं करेंगे तब तक मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा नहीं तो इसी वजह से इफ इफी दी बैक साइड ऑफ इट देन द एक्सप्लाटेशन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस राइट पब्लिक वेलफेयर होता नहीं है नेक्स्ट इज इज अल्टीमेट मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सो लेस वेलफेयर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस किसी के पास और कोई पॉइंट है किसी के पास मोस्ट ऑफ यू आर वॉचिंग मोस्ट ऑफ यू आर वेरी एक्टिव इन सेशन क्या आपके पास कोई और पॉइंट है विच इज वन ऑफ द अदर डिसएडवांटेज ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम सो बिलीवर सेट नो पब्लिक वेलफेयर बिलीवर वी हैव एक्चुअली रिटर्न दिस पॉइंट आई एम एक्सपेक्टिंग सोर पॉइंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू की कैपिटल सिस्टम के और डिसडवास क्या हो सकते हैं ज्योति कोड यू प्लीज हेल्प यू विद मोर डिसएडवांटेजेस ऑफ द कैपिटल सिस्टम वॉट अबाउट द अदर्स मयंक इज देयर रूपम इज देयर रूपम वाई गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ कंट्रोल इट इज डिसाइडेड इट इज नॉट दैट कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती बट द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी हैव डिसाइडेड कि दिस इज हाउ वी वांट टू स्टैब्लिश आर इकोनॉमिक सिस्टम हर देश की इकोनॉमी अलग चलती है हर देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है ठीक है ना तो दिस इज डिसाइडेड बाई दी पॉलिसी फ्रेमर्स बाई दी पॉलिसी मेकर्स कि दिस इज हाउ वी वॉन्ट टू रन द इकोनॉमी हमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इंडिविजुअल हैंड्स में देने वी डू नॉट वॉन्ट टू कंट्रोल द गवर्नमेंट डू नॉट वॉन्ट टू कंट्रोल सो इट इज डिसाइडेड बाई द इकोनॉमी टूगेदर दैट वॉट टाइप ऑफ सिस्टम डू दे वॉन्ट इट इज नॉट दैट गवर्नमेंट का क्यूँ नहीं है देर आर इकोमीज जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है फॉर एग्जाम्पल इंडिया फॉर एग्जाम्पल चाइना फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया राइट right? तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों नहीं है इट इज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ द गवर्नमेंट वांट्स टू रन कंट्री ठीक है सो राइट गेट्स बिलीवर नो फ्री वेल्थ हेल्थ केयर अगेन कि वेलफेयर इज मिनिमम ठीक है सो ये कहीं ना कहीं वो आ गया मोनोपली एग्जिस्ट मोनोपली कैसे एग्जिस्ट करेगी बताइए हाउ डज दी मोनोपली और हाउ डिल दोनोपली एग्जिस्ट जो थी लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी हाई एजुकेशन प्राइसिस अगेन बिलीवर आपकी जितनी भी पॉइंट बता रहे हो दीज आर ऑल सबसे देर आर लेस वेलफेयर दैट टेक्स प्लेस चलिए सो विद दिस वी आर कम्प्लीट विद द कैपिटल सिस्टम इसका बिल्कुल विपरीत इसका बिल्कुल अपोजिट होता है सोशलिस्ट इकॉनॉमी सो सोशलिस्ट इकॉनॉमी में सोशलिस्ट इकॉनमी इज द वेयर

ये आप में से किसी में से भी नहीं आया कि इन एग्जिस्ट जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि गरीब के पास भी सेम एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्स हो एंड इसलिए इसका जो ऑपोजिट है इट इज़ दोशलिस्ट इकॉनमी वेयर द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि किस तरीके से एलोकेशन होगा रिसोर्स का अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स किस तरीके से होगा सो दे विल मेक श्योर दैट इक्वालिटी एग्जिस्ट सबको बराबर खाना मिले बराबर रिसोर्स मिले तो जब सबको बराबर रिसोर्स मिलेंगे सबको अब जैसे हमारी मदर होती है वो क्या करती है घर में जितने बच्चे होते हैं सबको बांट के देती है ऐसे थोड़ी है किसी को ज्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया वाई बिकॉज वॉट शी वॉन्स इज एवरी चाइल्ड इज इक्वल इन द आईज ऑफ मदर

तो जब आप नोट्स बनाओगे तो क्या चीजें लिखोगे सोशलिस्ट में मोर ऑफ गवर्नमेंट लेस ऑफ प्राइवेट छोटे छोटे की पॉइंट्स लिखने हैं पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखने हैं गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच विल बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट विल बी कंज्यूम एंड हाउ इट विल बी कंज्यूम बिकॉज हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्सेज यहां डिस्ट्रीब्यूट करिए गवर्नमेंट द प्राइज ऑफ द प्रोडक्ट्स इज यूजली डिटरमाइंड बाई द गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट सिस्टम में कौन डिफाइन करता था प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज क्या पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड क्या पढ़ा था कि प्राइस ऑफ डिमांड प्राइस ऑफ द कमोडिटी गोज अप क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन तो इट इज लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम बट इन द सोशलिस्ट सिस्टम हु डिसाइड्स द प्राइस कौन डिसाइड करता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इट इज द गवर्नमेंट गवर्नमेंट रेगुलेट करेंगी कि कितने रुपए किलो में चावल बिकेगा क्या प्याज होगा टमाटर का अनियंस का पोटेटोस का एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमीज

What about the others? <coughs> uh, Barmapa, I cannot use entirely or maximum of English because the crowd here is mix of both the languages. The uses of both the languages, so I cannot totally talk in English because there are students who do not or who understands English on the lesser side. So it has to be blend of it. अच्छा ठीक है सो वट अबाउट द स्पीड स्पीड बताइए स्पीड सही है कि सही सही फास्ट करूँ तेज करूँ या इट इज फाइन सो वी आर डन विद द फीचर्स फीचर्स देख लिए थे अब चलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ठीक है एडवांटेजेस क्या है हमारे सोशलिस्ट इकॉनमी के सिंस द प्लानिंग इज डन सेंट्रली इन सच इकॉनमी इट ऑल्सो लीड्स टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्योंकि एक सेंट्रल फिगर है एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज प्लानिंग फॉर द एंटायर कंट्री सो इफ दर इज वन सेंट्रल फिगर विच इज डिसाइडिंग एज टू हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज तो प्लानिंग भी क्या होगी एफिशियंट होगी प्लानिंग अगर एफिशियंट है तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी क्या है एफिशियंट है वेन द रिसोर्स आर इक्वली स्पेड तो क्या होगा लेसर इन स्टार पार्क ये चीज़ नोट्स में जाएगी कि लेसर इनइक्वालिटी विल प्रिवेल कैपिटलिज्म क्या जाएगी इट इंक्रीजेस इनइक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट नेक्स्ट इज लेबरर्स आर प्रोन टू लेस एक्सप्लॉयटेशन क्योंकि गवर्नमेंट है गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है वेलफेयर पढ़ा था यहाँ पे स्टार्टिंग में गवर्नमेंट का एजेंडा था वेलफेयर ऑफ द पीपल ये था ना पढ़ा था ना सो इफ द गवर्नमेंट इज

सोशलिस्ट सिस्टम गवर्न विल मेक श्योर दैट देर आर रूल्स एंड रेगुलेशन इन प्लेस रूल्स एंड रेगुलेशन आर इन प्लेस दर राइट विच आर गिबर्स उनको उनके अधिकार मिल रहे हैं उनको पता है उनके अधिकारों का विच विलीड टू द लेस एक्सप्लोटेशन ऑफ द लेबर इन दी सोशलिस्ट पैटर्न वॉट आर द डिसडवाटेजेस कंज्यूमर के पास लेस चॉइस है क्यों लेस चॉइस है क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है क्या बनेगा किस तरीके से बनेगा ठीक है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा किसको कितने रिसोर्सेज मिलेंगे एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट तो कंज्यूमर के पास क्या होगा कंज्यूमर के पास लेस चॉइस होगी कैपिटलिस्ट में क्या हो रहा था इकोनॉमी में बनी वो रहा था जो कंज्यूमर कंज्यूम consume करना चाहता है आप जैसे मुझ जैसे लोग क्या कंज्यूम करना चाहते हैं इट विल डिपेंड कि इकोनॉमी में क्या बनेगा वेयर एज इन सोशलिस्ट सिस्टम सोशलिस्ट सिस्टम में वो चीज बनेगी जो सबका जिसमें हित हो जिससे मैक्सिमम वेलफेयर हो जिसमें सबका हित छुपा हो वो ही चीज बनेगी ठीक है टू मच रिजिडिटी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रल प्लानिंग भाई एक ही फिगर एक ही सेंट्रल अथॉरिटी होल्ड रख रही है पूरे देश पे दैट इज डिसाइडिंग कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कौन से स्टेट में क्या क्रॉप बनेगा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा विल इट नॉट लीड टू रिजिडिटी सेंट्रलाइज प्लानिंग होती है यहाँ पे सेंट्रलाइज प्लानिंग Centralized planning is what? When one individual or organizing is planning for the entire country or the organization. So, because of centralized uh, system or centralized decision making, rigidity exists. Okay, next is less democracy, low. Come chances. और कम अपॉर्चुनिटी होती है टू पार्टिसिपेट इन द द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री लेस डेमोक्रेसी गिव्स अ सेंस ऑफ डिक्टेटरशिप कि भाई हमारे पे अभी भी किसी का रूल है किसका रूल किसी किंग या मोनार्क का नहीं बट द गवर्नमेंट इज रूलिंग अस गवर्नमेंट इज रूलिंग और डिसाइडिंग व्हाट वी विल कंज्यूम अरे मुझे फ्लैट स्क्रीन टीवी चाहिए मुझे नहीं चाहिए पुराने जमाने वाला टीवी बट द गवर्नमेंट फील्स द गवर्नमेंट फील्स कि अगर फ्लैट स्क्रीन टीवी बनेगा सो उससे मे बी इट विल लीव द कार्बन फुटप्रिंट्स या एसी कंज्यूम

इसका बीच और ब्लेंड ऑफ इट इज द दिक्सड इकॉनमी मिक्सड इकॉनमी इज द सिस्टम दैट कंबाइंस द दैरक्टर ऑफ कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिज्म तो अब आप क्या लिखोगे नोट्स में सी प्लस एस इज इक्वल टू मिक्सड इकोनॉमी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है मैम नोट्स जो है बहुत बल्कि बन रहे हैं परसों ही अभी डाउट सेशन ले रही थी परसों क्या कल ही अभी डाउट सेशन ले रही थी मैं स्टूडेंट्स का तो मैम नोट्स बहुत बल्कि हो रहे हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हो पूरे पूरे सेंटेंसेस लिख रहे हो तो जो मिक्सड इकोनॉमी लिखना है आपको पता है क्योंकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हैं ये सिर्फ आप अपनी मन की तसली के लिए लिख रहे हो कि ये टॉपिक एंड में रिविजन के टाइम छूट ना जाए सो वट यू हैव टू डू देन यू हैव टू राइट मिक्सड इकॉनॉमी और टॉक अबाउट इकोनॉमी सी प्लस एस इज इक्वल टू एम आई मतलब दोनों के फीचर्स हैं फिफ्टी फिफ्टी चीजें ठीक है सो मिक्सड इकोनॉमी सिस्टम दैट कंबाइन दैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म भी है सोशलिज्म भी है दोनों के प्लस पॉइंट्स इसने ले लिए बेनिफिट्स सोशलिज्म की भी उठा लिए जैसे कि वेलफेयर ऑफ द पीपल लेसर इनक्वालिटीज एंड कैपिटलिज्म का मोर चॉइसेस टू द कंज्यूमर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो दोनों के एडवांटेजेस जब हम क्लब कर देते हैं तो बन जाता है हमारा मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम इसका बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया इंडिया क्या है दोनों का रोल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पढ़ते हैं

बिकॉज ऑफ द लेस इंटरवेंशन बाई दी गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो सस्टेन एफिशियटली गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी बट टू अटन लिमिट इसकी वजह से क्या हो रहा है प्राइवेट सेक्टर सस्टेन कर पा रही है सोशलिज्म में नहीं सस्टेन कर पा रही थी क्यों नहीं सस्टेन कर पा रही थी बिकॉज गवर्मेंट का कंट्रोल था बहुत ज्यादा स्ट्रॉग बहुत ज्यादा रिजिड सो प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट एबल टू सस्टेन कैपिटलिस्ट में क्या था सिर्फ ही प्राइवेट सेक्टर था गवर्नमेंट थी ही नहीं मिक्सड इकोनॉमी में क्या हो रहा है अब ब्लेंड ऑफ बोथ है तो इसलिए दे बोथ को एग्जिस्ट पीसफुली विथ ईच अदर गवर्नमेंट का अपना रोल है निभाने के लिए प्राइवेट सेक्टर का अपना रोल है निभाने के लिए येस प्लीज सिमी इट्स नॉट दैट आई एम इग्नोरिंग दी चैच्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा इट इज़ जस्ट दैट अगर मैं चैच पढ़ती रहूंगी तो मोमेंटम ऑफ द क्लास विल ब्रेक जो चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ जो चीज़ मैं पढ़ाना चाह रही हूँ फ्लो में वो कहीं ना कहीं टूटेगी इट इज नॉट ऑल दैट दैट आई एम इग्नोरिंग द डाउट्स नथिंग लाइक दैट तो कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा आप मुझे पढ़ाने दीजिए एक बार फ्लो बैठ जाए बिकॉज दे आर सो मेनी स्टूडेंट्स दे आर सो मेनी डाउट्स इफ आई कीप अड्रेसिंग ईच एंड एवरी डाउट तो हमारी क्लास खत्म ही नहीं हो पाएगी तो थोड़ा सा टॉपिक्स वॉट विल डू इज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड देन आई प्रोवाइड यू दांस टू आस्र डाउट्स ठीक है टिल देन यू कैन कीप पोस्टिंग योर डाउट्स हेर इज़ दैट फाइन विल दैट वर्क फॉर यू सी मी चलिए एडवांटेजेस ये हो गए

राइट आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यू आर एन अवेयर बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं है यू नो हाउ द थिंग्स रन इन मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द नेक्सिस बिटवीन दी पॉलिटिकल पार्टीज एंड दी प्राइवेट पार्टीज बहुत सारे प्राइवेट पार्टीज एंड कंपनीज को अनड्यू फेवर्स मिलते हैं दे गेट टेंडर ऑफ द बिग प्रोजेक्ट्स सो so, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ़ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द मिक्स इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द नेक्सेस करप्शन बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है करप्शन की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है uh, रूपम uh, किस तरीके से याद करें अभी तक हमने कुछ ऐसा रटने वाली चीज़ पढ़ी नहीं थी हिस्ट्री के फैक्ट्स थोड़ी पढ़ रहे हैं हम तो लॉजिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें ये टर्म्स तो आपको याद करने वैसे भी पता होने चाहिए अभी तक हम किसी टेक्निकल साइड तो गए नहीं हैं यू शुड नो दैट वॉट अ कैपिटल सिस्टम इज़ यू शुड नो कि जिस देश में आप रह रहे हैं उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है तो इसमें इतना कुछ तो अभी तक हमने बंबार्टमेंट ऑफ टर्म्स तो करी नहीं हमने डेट्स और वो क्रोनोलॉजी तो याद करने वाली बात आई नहीं जो हिस्ट्री में होती है कि नो मैटर वॉट हम उसमें अपना लॉजिक लगा ही नहीं सकते हैं वहां तो जो चीज एज इट इज है भाई तांत्या टोपे ने जो किया वो कर रहा है उसको पढ़ना पड़ेगा जो किताबें रिस्पेक्टिव फ्रीडम फाइटर्स ने पब्लिश करी है कैन नॉट चेंज इज इज नो लॉजिक टू रिमेंबर देम एज वेल बट इकोनॉमी ऑल लॉजिकली ड्रिवल टेक्निकल है लेकिन लॉजिकल है एडवांटेज जब आप मैं बात कर रही हूँ मिक्सड इकोनॉमी के तो हम मैंने क्या बोला था ब्लेंड ऑफ बोथ है तो एडवांटेजेस उठाए और डिसएडवांटेज जब आपको सी प्लस एस याद है अपने आप आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिख लोगे राइट सो दिस इज यू हाउ यू हैव टू अप्रोच द सिलेबस ओके चलिए लास्ट इज द कम्युनिस्ट इकॉनॉमी अभी कम्युनिस्ट क्या होता है हमने तीन पढ़े सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड नाउ व्हाट इज दिस कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज एन इकोनॉमिक सिस्टम व्हिच एक्चुअली

यहां पे कलेक्टिवली हर एक डिसीजन लेगा इट इज नॉट दैट इंडिविजल या गवर्नमेंट इज टेकिंग सोसाइटी एज अ होल इज टेकिंग डिसीजन फॉर द इकोनॉमी बट स्टिल अभी तक इफ यू इफ यू टॉक अबाउट कि गिव मी वन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिस्ट इकोनॉमी सो स्टूडेंट्स अभी तक ऐसा नहीं इट्स स्टिल इवॉल्विंग प्रोसेस बट इफ यू सी इफ यू सी ऑन द इज अ स्केल सो हाउ इट स्टार्ट इज दिस इज कैपिटलिस्ट विच इज वन एक्सट्रीम एंड दूसरी साइड है कम्युनिज्म ठीक है बीच में आता है मिक्स्ड <coughs> इकोनमी ठीक है देन वी मूव टूवर्ड्स दी सोशलिज्म एंड सोशलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म इज कम्युनिज्म सो दिस इज अ बेटर वे टू रिमेंबर थिंग्स फाइन चलिए सो विद दिस वी आर डन विद दी फोर इकोनॉमिक सिस्टम्स सो एडवांटेजेस एवरी वन इन सोसाइटी इज टेकन केयर ऑफ क्योंकि कम्युनिटी कलेक्टिवली डिसीजन ले रही है लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज मोस्ट ऑफ दी पीपल गेट्स दी जॉब क्योंकि सब सब सोच रहे हैं सबके लिए सोच रहे ऐसे तो है नहीं एक इंडिविजुअल के बारे में सोचा जाएगा सो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनक्वालिटी अपने आप क्या होगी रिड्यूस होगी या एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ठीक है वॉट आर दी डिसएडवांटेजेस सिंस एवरी वन गेट्स मोर और लेस इक्वल पे भाई सबको बराबर रखा जा रहा है सबको बराबर का दर्जा दिया जा रहा है सो एवरी वन इज गेटिंग मोर और लेस इक्वल पे ठीक है ना देन द पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क हार्ड उसके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है वो कहेगा यार मैं जो मर्जी काम कर लूँ मैं कुछ भी काम कर लू आई विल बी पेड इक्वल टू द पर्सन हु इज वर्किंग हार्डर देन मी सो what इज द इंसेंटिव क्या मोटिवेशन है मेरे पास ज्यादा काम करने का सो द मोटिवेशन टू वर्क हार्डर टू क्रिएट न्यू थिंग्स gets killed इन which economy द कम्युनिस्ट सिस्टम ठीक है लेस competition competition है ही नहीं है कॉम्पिटिशन क्यों नहीं है बिकॉज एवरी थिंग इज डिस आब पूछिए डाउट रूपम को डाउट था सिमी को डाउट था अब पूछिए वी आर डन विद फोर इकोनॉमिक सिस्टम्स नाउ आस्कृत भी डाउट है अभी तक तो <coughs> uh, प्रणब वी कैन से दैट देर आर इकॉनमीज वेद इज लेस करप्शन तभी करप्शन इंडेक्स भी पब्लिश होता है यू कैन ऑलवेज गो एंड रेफर टू दैट पर्टिकुलर इंडेक्स की क्या रैंकिंग्स हैं। बट देर इज नो सच इकोनॉमी जहां करप्शन ऑल टुगेदर हो ही ना बिकॉज जब तक ह्यूमन है इट इज ऑल इट इज ऑल डिपेंड ऑन द्यूमन्स एंड ह्यूमन्स हैव देंडेंसी इट्स असाइकी कि जहाँ से जो बच रहा है जहाँ से जो लूप होल्स है uh, उसका फायदा उठाया जाए दैट इज हाउ द्यूमन्स आर स्ट्रक्चर एंड सो इफ यी सी और इफ़ वी टॉक इन दी प्रैक्टिकल और दी प्रेगमेटिक सेंस देन आई डो नॉट थिंक दैट देर इज एनी कंट्री जहाँ पे करप्शन लेवल इज जीरो और टोटली नेग्लिजिबल ठीक है रूपम जो न्यू लेबर लॉज हैं इट विल इट बेनिफिट दी इम्प्लॉयज और द इम्प्लॉयर्स तो स्टूडेंट्स जब भी कोई नया लॉ आता है कोई नया कोड आता है कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आता है वो किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति या एक इंडिविजुअल स्टेक होल्डर को रख के फ्रेम नहीं किया जाता है इट 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 इनकम्पास वेलफेयर ऑफ बोथ पार्टीज और हाउ मेनी स्टेक होल्डर्स वट एवर स्टेक होल्डर्स आर प्रेजेंट देयर फाइन सो इट इज इट इज इट इज अगर आपका हो कि मैम लेट्स डिबेट ऑन दिस और लेट्स फाइंड आउट दी मतलब इसमें हम लिखें कि फॉर वट आर द थिंग्स विच इज इन प्रो लेबर और फॉर द इम्प्लॉयर्स तो दैट इज ऑल टुगेदर एक नया हमको उसके लिए सेशन लेना पड़ेगा बट वट एवर अगर आपको ये क्वेश्चन आ भी जाता है सो वट एवर यू हैव टू प्रोवाइड यू हैव टू प्रोवाइड अ बैलेंस आंसर कि इट विल बेनिफिट बोथ द इम्प्लाइज और दी इम्प्लॉयज एज वेल ठीक है सिमी अब पूछो आपका क्या डाउट था आपने बोला कि मैं आपके डाउट्स को अड्रेस नहीं कर रही हूँ आस्क वॉट योर डाउट इज प्रोन क्या है मतलब प्रति आई थिंक आई एम कॉलिंग योर नेम इन राइट वे प्रति प्रोन कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन आई डेंट गेट योर क्वेश्चन बीर इज नो होली ग्रेल इकॉनमी येस बताइए और डाउट पूछिए अदरवाइज वील मूव एंड स्टार्ट विदिक सो इन दंटेम्पररी एरिया ऑफ द एरा इट इज क्लेम दट इंडिया इज इज मोर इंक्लाइंड टी कैपिटलिस्टम एंड लेस टूवर्ड्स दोशलिज्म जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी इट इज इट वॉज हेविली इन्क्लाइंड ऑल टूगेदर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बाहर से यूएसएसआर से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे वो सोशलिज्म से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे तो उस टाइम जो हर चीज़ थी हमने इनफैक्ट मैराथन सेशन भी लिया था जहाँ पर हमने सारे फाइव ईयर्स प्लान को कवर किया था कि इंडिविजुअल फाइव ईयर प्लान में था किस तरीके से हमारी इकोनॉमी इवॉल्व करी इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ सो सुबेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इट वॉज हेविली इंक्लाइन टूवर्ड्स सोशलिज्म बट इफ़ यू टॉक अबाउट द दंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इट इज इट इट इज इंक्लाइन टूवर्ड्स कैपिटलिज्म ठीक है वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रोन प्रोन इज समथिंग विच इज सब्जेक्टेड टू ठीक है प्रीति इतना छोटा सा डाउट ठीक uh, है आई थॉट इज समथिंग दिच यू वॉन्ट टू आस्क ठीक है चलो सो नेक्स्ट टॉपिक एक एक क्वेश्चन है सबको वॉट मेक्स कंट्री रिच और पुअर और हाउ डू डिसाइड कि ये कंट्री बहुत डेवलप कंट्री है फॉर एन एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने मुझसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा था एंड दैट एक्चुअली आई पोस्ट ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल सो द क्वेश्चन इज आप भी इस पर सोचिएगा जापान है इफ यू कंपेयर जापान एंड इंडिया की करेंसी जपान करेंसी इज़ वीकर देन इंडियाज़ करेंसी। इफ यू टॉक अबाउट साउथ कोरिया देयर करेंसी इज़ वीकर देन इंडियाज़ करेंसी देन हाउ कम जापान इज़ फार मोर डेवलप्ड देन इंडिया

वॉट मेक्स कंट्री रिच और पुअर और हाउ डू we डिसाइड कि जापान जबकि करंसी वीक है इंडिया से फिर भी वो किस तरीके से इट इज़ मोर डेवलप्ड बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज है वहाँ पे इंडिया स्टिल लैकिंग बिहाइंड ठीक है बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन है दोज टेक्नोलॉजीज आर स्टिल नॉट अवेलेबल इन इंडिया सो हाउ कैन वी कंक्लूड दैट हाउ हाउ डू वी कम टू दैट कंक्लूजन और हाउ डू भी डिसाइड वॉट मेक्स अ कंट्री रिच और पुअर टिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू रिप्लाई आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पर रिप्लाई टू याउट्स तो मेरा डाउट है आपसे मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि व्हाट मेक्स कंट्री रिच अपोअ मोस्ट ऑफ यू आर गूगलिंग राइट ना हो टैब खुला हुआ एक साइड एंड दूसरी साइड यूर गूगलिंग की किस तरीके से व्हाट मेक्स कंट्री रिच ऑपुअ सो दाइज इज इट डिपेंड इट डज नॉट डिपेंड इंटायरली की व्हाट आर द रिसोर्सिसकोनॉमींग

तो वहां क्या बात हो रही है जोग्रफी में टॉक अबाउट दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द कंट्री ठीक है क्या रिसोर्स रिच कंट्री नहीं है कोल है गोल्ड माइन्स है फिर क्या रिसोर्स तो हमारे पास भी हैं इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट द अफ्रीकन कंट्रीज दे आर सो रिच इन रिसोर्सिस बट वाई आर दे स्टिल अंडर डेवलप्ड बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डज नॉट डिपेंड इंटायरली ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सिर्फ रिसोर्स होना अपने आप में सफिशेंट चीज नहीं है हाउ वी मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अब आप इस तरीके से समझिए इसको आप आप सब मेरा सेशन देख रहे हैं क्या आप सबके सबका पेपर क्लियर होगा नहीं होगा पेपर किसका क्लियर होगा हु मेक द बेस्ट आउट ऑफ द वीडियो हु मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट आई एम टेलिंग जो जाके फटाफट एनसीईआरटी में से नोट्स बना के उसको कवर करके

सो so, कहीं ना कहीं वो जब सेमी फिनिश स्टेज में है उस पर थोड़ी प्रोसेसिंग हो गई है बट इट इज येट नॉट फिट फॉर कंजम्पन उस पर अभी थोड़ी प्रोसेसिंग होनी और बची है सो दैट स्टेज इज वॉट दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस ठीक है एंड द लास्ट थिंग इज वॉट फिनिश गुड जैसे कि घर में हमें रोटी बनानी होती है आटा है आटा इज वॉट इज रॉ मटीरियल आटे को गूंद रहे हैं वॉट आर यू डूइंग दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस अब जब वो आटे का आटा गूंद गया है उसको हमने रोटी में कन्वर्ट करके सेक दिया है दैट इज वॉट इज फिनिश गुड इज सो दिस इज वॉट इज द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन हाउ द थिंग्स आर प्रोसेस्ड इन एन इकोनोमी विल डिसाइड वॉट दैट विल डिसाइड वेदर अंट्री विल बी रिच और पुअर किस तरीके से आपकी इंडस्ट्री चीजों को कन्वर्ट कर रही है हाउ दे आर मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ द रिसोर्सिसम दैट इज वेयर द इनोवेशन कम्स इन पिक्चर जितनी ज्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होगी जितनी ज्यादा इनोवेशन से क्या आएगा एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी एडवांसमेंट विल डिसाइड हाउ द रिसोर्सेज आर मोर एफिशियंटली यूटिलाइज क्योंकि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उससे ज्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा उससे प्रोडक्शन प्रोसेस और रिफाइन होता जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस रिफाइन होगा तो उससे क्या होगा बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा फटाफट जो रॉ मटीरियल है दे विल गेट कन्वर्टेड इन टू फिनिश गुड्स येस रूपम इनोवेशन विल सर्टनली प्ले अ वेरी बिग रोल यस yes, uh, तारक मैनुफेक्चरिंग एंड सर्विस चलिए इस बारे में बात करेंगे द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल सेक्टर वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट इज वेल यस जो रिच एंड पुअर कंट्री डिसाइड बाय ग्रोथ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी यस सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर एक बात मैं बोलना रहा हूँ द हाउ दे कन्वर्ट द रॉ मटीरियल ऑर द रिसोर्स इन टू फिनिश गुड्स ठीक है सो वॉट आर दी रॉ मटीरियल रॉ मटीरियल्स की बात करें दे आर दी इनपुट गुड्स और दी इन्वेंट्री जो कंपनी को चाहिए होती है या किसी भी मैन्युफैक्चरर को चाहिए होती है कुछ भी बनाने के लिए केक बनाना है केक बनाना क्या चाहिए चीनी चाहिए <coughs> दूध चाहिए आटा चाहिए या मैदा चाहिए डिपेंड करता है किस चाहिए? किस टाइप का केक बना रहे हैं ठीक है मान लीजिए गाड़ी बनानी है गाड़ी इज अ फिनिश गुड

फिनिश गुड बनाएंगे न व्हाट इज वर्क इन प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस इज जब रॉ मटेरियल पे कुछ हमने प्रोसेसिंग कर दी है इट इज इन दी सेमी फिनिश स्टेज इट इज नॉट कंप्लीट येट अभी सेमी फिनिश्ड स्टेज में है जब कोई प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है सो वॉट इज द रिजल्ट और वॉट इज द रिजल्टेंट इज द फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स आर दोज गुड्स और दोज प्रोडक्ट्स ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स अब यहाँ से नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होने वाली है सो पे एक्स्ट्रा टेंशन दैट फिनिश गुड्स आर द प्रोडक्ट्स फिनिश गुड्स आर द प्रोडक्ट्स दैट हैव दैट हैव कंप्लीटेड ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस विच आर बी और एंड विच आर बींग हेल्ड फॉर सेल हमें हमें अब जब प्रोडक्शन जब किसी भी रॉ मटेरियल किसी भी गुड पे और फर्दर प्रोसेस नहीं करना है नाउ इफ अ गुड इज फिट फॉर कंजम्पशन वॉट डस इट स्टैंड फॉर इट इज फिनिश गुड वो फिनिश गुड होता है विच इज फिट फॉर कंजम्पशन मतलब उसको जाके आप कंज्यूम भी कर सकते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल देखे तो मिल्क प्रोडक्शन मतलब मिल्क है उसको फैक्ट्री में लेके गए वहां पे क्या हुआ पैस्चराइजेशन हुआ

मिल्क का पैकेट कैन बी फर्दर डिड इंटू इंटरमीडिएट गुड ये मिल्क के पैकेट को ये फिनिश गुड है सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है ये फिनिश गुड बन चुका है फिनिश गुड का एक फीचर क्या होता है एनी सच गुड विच इज फिट फॉर प्रोडक्शन मतलब दे कैन बी नाउ कंज्यूम्ड दे आर कंप्लीट इट इज कंप्लीट इन ऑल इट्स आस्पेक्ट उस पर अब फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है आप चाहें तो उसको कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली दैट इज अ फिनिश गुड ठीक है अब दैट मिल्क दी फिनिश गुड कैन बी फर्दर क्लाइड इंटू इंटरमीडियट गुड्स अगर मिल्क का पैकेट आप जाके कंज्यूम आप जाते हैं हैं खरीदते उसको कंज्यूम कर लेते हैं आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं उसकी चाय बना लेते हैं कैसे भी है उसको डायरेक्टली पी लेते हैं ग्लास में डाल के वो क्या बोला जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ फाइनल गुड फीचर्स ऑफ फाइनल गुड की बात करें तो एनी सच फिनिश गुड दैट विल नॉट अंडर एनी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस

कंज़म्पशन एंड कैपिटल गुड्स में तो आप कहोगे मैम फिर इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो रहे थे मिल्क का एग्जाम्पल ले रहे थे मिल्क का एग्जाम्पल ले रहे थे तो मैम फाइनल गुड्स तो बताया तो ये फिर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है तो स्टूडेंट्स ये जो मिल्क था जब हमने डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया तो ये हो गया फाइनल गुड्स ना दिस मिल्क कैन ऑल्सो भी यूज बाई अ बेकर और द आइसक्रीम मेकर कुल्फी वाले ठीक है अगर कुल्फी वाला लेने गया क्यों उसको कुल्फी बनानी कुल्फी बनाने के लिए चाहिए दूध तो अब वो गया और दूध का पैकेट लेके आया उस दूध के पैकेट में उसने डाली चीनी एंड वट एवर जो हमें चाहिए होते कुल्फी बनाने के लिए तो ये मिल्क का पैकेट क्या बन जाएगा मिल्क का पैकेट फिनिश गुड है हमें पता है बिकॉज नाउ इट इज़ फिट फॉर कंजम्शन इसके ऊपर और कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं अप्लाई होगा ठीक है अगर तो ये डायरेक्टली कंज्यूम हो रहा है तो ये बन जाएगा फाइनल गुड बट इफ़ दिस मिल्क पैकेट इट इज यूज एज रॉ मटीरियल इन समर प्रोडक्शन प्रोसेस दूसरा प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पे कुल्फी बन रही है इट इज अटीरियल इट इज इंटरमीडियट गुड्स इट विल बी कॉल्ड एज और रिटर्न इंटरमीडिएट गुड क्या इस चीज में कोई कन्फ्यूजन है क्या इस चीज में कोई कन्फ्यूजन है फॉर एन एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं चीनी का पैकेट शुगर है शुगर अगर मैं गई डायरेक्टली बिग बाजार लाई और उसको कंज्यूम <coughs> <consume> कर लिया फर्स्ट वी आर वेरी क्लियर कि शुगर एक फिनिश गुड है अब हमें कैटेगराइज करना है कि ये जो शुगर है ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है अब ये कैसे डिसाइड होगा अगर ये शुगर का पैकेट में गई और डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया तो ये बन जाएगा फाइनल गुड ठीक है बट विद दिस शुगर पैकेट आई एम मेकिंग एन आइसक्रीम क्योंकि आइसक्रीम बनाने के लिए चीनी चाहिए सो विद द हेल्प ऑफ दिस शुगर पैकेट आई एम एडिंग मिल्क आई एम एडिंग शुगर टू इट एंड आई एम कन्वर्टिंग इन टू आइस क्रीम एंड नाउ आई एम सेलिंग दिस आइसक्रीम सो दिस शुगर इज वॉट ये शुगर ने किसका शुगर पैकेट ने जो फिनिश गुड था इट विल भी कैटेगराइज एज नाव एज इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज मेरी आइसक्रीम बनाने के प्रोडक्शन प्रोसेस में इट एक्टेड एज अ रॉ मटीरियल इट एक्टेड एज अ इंटरमीडिएट गुड आर विक विथ दैट चलिए सो इंटरमीडिएट गुड्स आर दो दीज आर फिनिश्ड गुड्स ठीक है फिनिश गुड्स ही होते हैं विच आर यूज इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन दे आर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड चीनी वैसी रह जाएगी क्या चीनी के दाने होते हैं नहीं इट विल गेट मेल्टेड

फिनिश गुड्स ही हैं वाई एम एम एम्फोसाइजिंग मोर ऑन दिस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्विस्ट होके क्वेश्चन बनता है और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या हुआ था मैम हमें समझ नहीं आया सो इंटरमीडिएट गुड्स आर दो फिनिश गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन दे कंप्लीटली गेट ट्रांसफॉर्म इन टू अनदर गुड ठीक है एग्जाम्पल हमने शुगर का लिया अब पूछिए डाउट्स डू यू हैव एनी डाउट यस yes, येस बारोनबो वाली बात पुरानी हो गई हम अब बात करें टाइप्स ऑफ गुड्स की सो लेट अस सी व्हाट व्हाट वट एवर यू हैव डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू दीज टॉपिक्स प्लीज फील फ्री टू आस्क आदित्य जी डी एस्टिमेशन की जब हम बात करेंगे आज आज की क्लास में ही हम बात करने वाले हैं वहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं हम क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं इसकी बात हम तब करेंगे जब हम जीडीपी के अकाउंटिंग के टॉपिक पे पहुंचेंगे फॉर राइट नाउ इफ यू वॉन्ट दैन इन दी जी डी पी एस्टिमेशन वी डू नॉट कैलकुलेट और कंसीडर कंसिडर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इसके ऊपर डेफिनेटली इलेबोरेशन होगा बट यू हैव टू वेट फॉर दैट क्योंकि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे एंड दैट इज वेयर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिसाइड और लर्न कि क्यों इंटरमीडिएट गुड्स का जो हम प्राइस है वी आर नॉट इंक्लूडेड इन द जी डी पी एस्टिमेशन ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर क्लियर विद वॉट एवर वी है चलिए। कौन से goods? Final goods. Inter हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था फिनिश गुड्स पढ़े थे फिनिश गुड्स को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया था एक तो इंटरमीडिएट गुड्स दूसरा साथ साथ बनाते जाना इस चीज को इंटरमीडिएट गुड्स दूसरा था फाइनल गुड्स फाइनल गुड्स को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं फाइनल गुड्स को किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर गुड्स एंड दूसरा इज कैपिटल गुड्स सो दिस इज़ हाउ योर चार्ट शुड बी मेड फिनिश गुड्स फिनिश इन टू इंटरमीडिएट एंड फाइनल फाइनल इन टू कंज्यूमर एंड कैपिटल ठीक है कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं विल टॉक अबाउट दैट नाउ उट द्शन गुड्स तो कंजम्पन गुड्स क्या होते हैं कंज्यूमर्स एंड हैव नो यूज इन फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल शैम्पूम एक बार यूज करें या कुछ लिमिटेड ही लाइफ स्पैन होता है उसका सो ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर हम बात करें इफ यू हैव टू क्लियरली डी मार्केट और वी हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड कंजम्पन एंड द कैपिटल गुड्स इट इज दैट द कैपिटल गुड्स हेल्प इन दी फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स वेर कंजन गुड्स कंजम्शन के लिए होते हैं वंस इट इज कंज्यूम उसकी लाइफ गेट्स ओवर इट गेट्स ओवर बट दैपिटल गुड्स आर दोव अ फ्यूचर एंड दे आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पन गुड कैपिटल गुड्स जैसे क्या हो गया एग्जाम्पल मशीनरी हो गई कोई भी मशीनरी इंस्टॉल करी हमने दैट विल हेल्प वॉट दैट विल हेल्प इन दर्दर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्शन गुड्स ठीक है ना शैम्पू बनाने के लिए मशीन चाहिए आइसक्रीम बनाने के लिए मशीन चाहिए ठीक है वॉट इज दैट मशीन आइसक्रीम इज अ कंजम्शन गुड क्योंकि हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं द मोमेंट वी कंज्यूम इट इट्स उसकी लाइफ इट गेट्स ओवर बट द मशीन विच इज मेकिंग द कुल्फी द मशीन विच इज मेकिंग द केक द मशीन विच इज मेकिंग द आइसक्रीम इज वट इज द कैपिटल गुड क्योंकि कैपिटल गुड का क्या <coughs> डेफिनेशन है दीज आर दोज गुड्स विच हैव अ फ्यूचर यूज उस मशीन को बार बार यूज करेंगे हम किस लिए कुल्फी बनाने के लिए और वो मशीन क्या बना रही है वो मशीन बना रही है कुल्फी और हमने क्या देखा था कुल्फी इज वॉट इट इज अ कंजम्पशन गुड सो कैपिटल गुड आर दोज गुड्स विच हेल्प्स इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द कंजम्पशन गुड्स ठीक है कंज्यूमर गुड्स आर परचेज इन ऑर्डर टू फुलफिल पर्सनल कंजन नीड्स खुद की पर्सनल डिजायर नीड्स एंड वॉन्ट्स को फुलफिल करने के काम आते हैं कंजन गुड्स बट व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स दे एड्स इन प्रोडक्शन दे आर परचेज टू फर्दर प्रोड्यूस इन सर्विस इन द इकोनोमी कंप्यूटर मान लीजिए आज मैंने कोई कंपनी बनाई वहां पर दस कंप्यूटर लगाए क्यों क्योंकि वर्कर्स आएंगे काम किस पे करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर दे विल प्रोवाइड द सर्विसेज जैसे कि बीपीओ जो जो कॉलिंग uh, सेंटर्स होते हैं वहाँ पे मशीन इंस्टॉल करी जाती है फोन इंस्टॉल करे जाते हैं कंप्यूटर्स इंस्टॉल करे जाते हैं विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर नाउ द सर्विसेज विल बी क्रिएटेड नाउ द मोर गुड्स विल बी क्रिएटेड राइट यस आदित्य कंजम्शन गुड्स जैसे शैम्पू टूथपेस्ट जूते कैपिटल गुड्स इज वॉट इज मोर आयरन एंड स्टील इट इज मशीनरी ठीक है टारगेट क्या होता है कंजम्प्शन गुड्स का इट इज कंज्यूमर्स वेयर एज द कैपिटल गुड्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं हु इज द टारगेट कस्टमर इट इज द मैन्युफेक्चर हु फर्दर वॉन्ट टू प्रोड्यूस द गुड्स राइट डिमांड इफ वी कंपेयर बिटवीन द कंजम्पन गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स द डिमांड फॉर कंजम्पन गुड्स इज मोर देन दी कैपिटल गुड्स आप मार्केट में जाते हो तो क्या चीज देखते हैं ज्यादा क्या बिगड़ा है इट इज द कंजम्पशन ऑफ द कैपिटल गुड्स इट इज द कंजम्पशन गुड्स व्हिच आर मोर डिमांडेड इन द इकॉनमी एज कंपेयर टू द कैपिटल गुड्स नेक्स्ट इज द प्राइसिंग ऑब्वियसली ऑब्वियसली कंजम्पशन गुड्स आर वेरी मच चीप इफ कंपेयर टू कैपिटल गुड्स क्योंकि कैपिटल गुड्स आर वेरी एक्सपेंसिव दीस आर हैवी मशीनरीज एंड ऑब्वियसली दे हैव अ कॉस्ट ठीक है चलिए सो वी आर डन विद द बाइफकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव योर फ्रेंड सूर्या लूसेंट बुक जी के किसके लिए इनफ आपको कौन सा एग्जाम के लिए अपेयर करे इट विल ऑल डिपेंड कि लूसेंट आपके लिए सफिशेंट है कि नहीं इफ यू टॉक अबाउट यूपीएससी देन द आंसर इज क्लियर नो अगर आप सिर्फ और सिर्फ लूसेंट जी के पे डिपेंड कर रहे हैं देन आई एम सॉरी Uh, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए गेम को क्लियर करना चलिए यस आदित्य यू आर वेरी मच राइट लूस इन इज नॉट मेन एनफे वेन वी टॉक अबाउट द यूपीएससी सी एस सी एग्जामिनेशन नाउ वेन वी टॉक अबाउट द इकोमी एज अ होल वी नीड टू नो कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं कैलकुलेटिंग द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट दैट टू टू हाउ डू वी गेट द आइडिया ऑफ दैट for get for getting an idea as to how much goods and services is being produced in an economy we need to have a common measuring rod a common unit hona chahiye jisme hum measure kar sake ki kitni goods and services produce ho rahi hai ek economy mein and how do we calculate that the common measuring rod is money because हम monetary terms में calculate करते हैं कि कितनी goods और कितनी मतलब कितने पैसे के goods बने कितनी पैसे की services बनी एक इकोनमी में ठीक है सो वॉट डू वी डू किस तरीके से क्या हम एक स्टेज पे कि बीस रुपए की शुगर बनी थी फिर uh, बीस रुपए का मिल्क बना था फिर पचास रुपए की आइसक्रीम इन दोनों को मिला दिया तो पचास रुपए की आइसक्रीम बनी थी डू वी डू दैट और कैन वी अफोर्ड टू डू दैट नो वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट वाई वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट बिकॉज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी

जिसका प्राइस था बीस रुपये मिल्क जिसका प्राइस था तीस रुपये एंड इसको मिला के बनी आइसक्रीम ठीक है ना इन दोनों को यूज किया मैंने और बना दिया आइसक्रीम जिसकी वैल्यू थी सौ रुपये ठीक है <coughs> क्लियर शुगर बन रहा था मिल्क बन रही थी आइसक्रीम बन रही थी अब आप मुझे बताओ तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा विल इट बी हंड्रेड प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी और विल इट बी जस्ट दंड्रेड आप में से कितने लोग हैं जिन्हें मैं बोलूं कि लेट्स कैलकुलेट दी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री हु चूज द ऑप्शन ए एंड आप में से कितने लोग ऑप्शन बी चूज करोगे चलिए बताइए आई एम वेटिंग फॉर यू टू रिप्लाई हाउ मैनी ऑफ यू विल चूज ऑप्शन ए एंड हाउ मेनी ऑफ यू विल चूज ऑप्शन बी वॉट डी थिंक क्या होना चाहिए

अच्छा आदित्य ए होना चाहिए ठीक है वॉट अबाउट दी अदर्स सौरभ सेज इट शुड बी बी वट अबाउट दी अदर्स प्रणब सेज बी अब्दुल्ला सेज बी समीर सेज ए ठीक है वाट अबाउट दी अदर्स इतने सारे स्टूडेंट्स हैं वाई ओनली सम ऑफ यू आर रिप्लाइंग वट अबाउट अदर्स वट आर यू डूइंग डूइंगई आर यू नॉट एक्टिव इन दैट लुक एट दी कॉम्पिटिशन बच्चे कितना एक्टिव हैं तो जो लोग जस्ट हुविंग अ लेड बैक एटीट्यूड आराम से बैठ के सुन रहे हैं वीडियो आइए और इंटरेक्ट कीजिए दैट इज हाउ यू वी लर्न सो बी मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो मुझे समझ आ रहा है दे आर सेंग इट इज ओनली हंड्रेड इट इज बी निकिता सेज से विवेक बी यू पी एस सी के चेयरमैन भी हैं हमारे साथ आई डोट नॉट नो वॉट इज योर रियल नेम बट आपने अपने आप को uh, चेयरमैन का दर्जा दिया हुआ है चलिए बहुत बड़ी बात है आप कह रहे हैं भाई चेयरमैन साहब कह रहे हैं बी ए है तो बी ही, ही होना चाहिए क्यों यू पी एस सी के चेयरमैन ने ये बात बोल दी है राइट चलिए स्टूडेंट्स क्यों बी होगा हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन दैट द आंसर इज बी वॉट मेड यू सेट हाउ डिड यू कम टू द कंक्लूजन वाई इट इज नॉट बीस प्लस तीस प्लस सौ क्यों सब ये सब भी तो प्रोड्यूस हो रहा है तो क्यू हमने सिर्फ सौ को लिया क्यूँ हमने सौ प्लस तीस प्लस बीस को लिया नहीं लिया वॉट इज द रीजन वेरी गुड नवीन रोमितज देयर स्वाति इज देयर सौम्य दीप इज देयर सो फाइनल आंसर इज वाई बी एंड वाई नॉट ए फॉर दोज हुई सेड इट इज ए मुझे लिख के बताइए जैसे शबीर आपने बोला है कि ए होना चाहिए बिल्कुल सही बात है लेकिन क्यूँ होना चाहिए आई नीड टू नो दॉजिक बिहाइंड होना चाहिए क्यों बी नहीं होना चाहिए क्या सोच के आप इस कंक्लूजन पे आए दैट ए शुड बी दंसर एंड नॉट बी एंड फॉर दोज हुई बी शुड बी दी आंसर प्लीज टेल मी एस टू वट मेड यू कम टू दिस कंक्लूजन दैट बी शुड बी दी आंसर एंड नॉट ए बिकॉज द चेयरमैन से इज दैट कौन सी चेयरमैन भाई यूपीएससी चेयरमैन से इज दैट अदर फर्दर यूज फॉर प्रोडक्शन वॉट अदर फर्दर यूज फॉर प्रोडक्शन स्टूडेंट्स सिंपल सा लॉजिक है जब मैंने आइसक्रीम प्रोड्यूस करी जब मैंने ये आइसक्रीम बनाई तो जब मैं आइसक्रीम का प्राइस कैलकुलेट कर रही थी तो मैं क्या उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हुए उसकी वैल्यू को एड नहीं करूंगी इस आइसक्रीम को बनाने के लिए मैंने क्या यूज किया था बीस रुपए की शुगर यूज करी थी तीस रुपए का मिल्क यूज किया था फिर मैंने उसमें प्रोसेस प्रोसेसिंग करी एंड फाइनल वैल्यू केम टू हंड्रेड क्योंकि मैंने इसमें अपना प्रॉफिट भी जोड़ा so 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 सो जो इफ आई से सो इफ़ आई से फॉर दोज सो फॉर दोज सेइंग इट इज द आंसर शुड बी ए फॉर दोज हु आर सेइंग द आंसर शुड बी ए तो स्टूडेंट्स इस सौ रुपए में टेल मी वन थिंग टेल मी वन थिंग कि ये जो सौ रुपए था आइसक्रीम का क्या इसमें ऑलरेडी ये ट्वेंटी प्लस थर्टी इंक्लूडेड नहीं था फॉर ऑल हुज आंसर ए इस सौ रुपए में ये बीस प्लस तीस इन्वॉल्व नहीं था ऑब्वियसली था क्योंकि जब मैं ये सौ रुपए किया तो मैंने रॉ मटेरियल्स का प्राइस भी उसमें इंक्लूड किया था इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस भी इंक्लूड किया था बट वेन आई एम द आंसर शुड बी बी क्यों बी होना चाहिए बी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज दिस हंड्रेड इंक्लूड्स दैल्यू ऑफ द रॉ मटीरियल इफ आई से सौ प्लस बीस प्लस हंड्रेड प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी तो ये तो डबल काउंटिंग हो गई ना इस सौ रुपए में बीस और तीस जुड़ा हुआ था फिर मैंने बीस और तीस अलग से और जोड़ लिया तो so ये क्या हो रहा है मैं डबल काउंट कर रही हूँ प्रोवाइड मी द एक्ट पिक्चर ऑफ हाउ मच गुड्स इन सर्विस वी आर प्रोड्यूसिंग नो इट विल प्रोवाइडेड मी द इनफ्लेटेड पिक्चर एग्जेजरेटेड पिक्चर कि इतना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज वॉट आई गेट इज द इनफ्लेटेड पिक्चर वैल्यू आ जाएगी डेढ़ सौ जबकि हो सिर्फ सौ रहा है क्योंकि सौ में बीस और तीस ऑलरेडी इंक्लूडेड था येस टू अवॉइड कास्ट के स्टूडेंट टैक्सेशन भी यूज होता है दिस इज कॉल्ड एज दी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ये जो हम कर रहे हैं डबल काउंट कर रहे हैं सौ में इंक्लूड किया है फिर कर रहे हैं उसको दिस इज दी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इसलिए जो इंटरमीडिएट गुड्स है इसलिए जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसके प्राइस को हम क्या कर देते हैं उसके प्राइस को हम कंसिडर नहीं करते हैं दैट इज वेयर दैट इज वेयर जब हम जी डी पी जी डी पी जब आप पढ़ते हो डेफिनेशन क्या पढ़ते हो जी डी पी इज वॉट इट इज द मॉनिटरी वैल्यू इट इज मॉनिटरी वैल्यू ऑफ

फाइनल गुड्स क्योंकि फाइनल गुड्स में ऑलरेडी दे विल बी वैल्यू ऑफ वॉट दी इंटरमीडिएट गुड्स क्यों फाइनल गुड्स गुड्स विच आर कंज्यूम डायरेक्टली तो इसमें हमने कौन से गुड्स इंक्लूड कर लिए हैं दी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स सो दिस विल एलिमिनेट दी प्रॉब ऑफ डबल काउंटिंग अगर हम सबको एड करने लगे तो इन्फ्लेटेड पिक्चर आ जाएगी सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड नॉट द फिनिश गुड्स राइट right? पढ़ना डेफिनेशन आज गूगल करना कहीं पे भी यू विल फाइंड दिस एंड द रीजन यू नो नाउ दैट इज हाउ द थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू अब न्यूज पढ़ो अब एनसीआरटी पढ़ो अपने आप चीजें समझ आने लग जाएंगी <coughs>

अब हमने ये सारी चीज़ें समझ लिए बेसिक समझ लिए नाउ वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नेशनल इनकम एंड इट्स अकाउंटिंग अब हमें ये भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस तरीके से वी हैव टू कैलकुलेट कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं किस तरीके से वी फाइंड आउट

हम किसी भी चीज़ का हिसाब किताब क्यों रखते हैं सो so दैट हमें पता चले कि हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं हिसाब किताब इज़ वॉट मेजरमेंट ठीक है आपके जो टेस्ट uh, सीरीज़ आपको क्यों देनी पड़ती है टेस्ट सीरीज आप इसलिए देते हो यू यू नीड टू गॉज वेयर डू यू स्टैंड टू नी यू नीड टू नो और हाउ वुड यू सर्टेन हाउ आर यू परफॉर्मिंग इन ऑर्डर टू गॉज योर परफॉर्मेंस कि आप जितना पढ़ रहे हैं आप वो रिटेन कर पा रहे हैं या उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं यू डू वॉट यू अपेयर फॉर

तो ये कैसे पता चलेगा जब हम हिसाब किताब रखेंगे जब हम उस चीज की अकाउंटिंग करेंगे राइट नेशनल इनकम अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स दी मेजरमेंट ऑफ वॉट मैक्रो एग्रीगेट्स क्यों क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम कौन से एग्रीगेट्स की बात करेंगे एट द इकोनॉमी एज अ होल इकोनॉमी लेवल पे सो दो हजार विच एग्रीगेट्स दो हजार मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स दी मेजरमेंट ऑफ मैक्रो एग्रीगेट्स फॉर अ

<coughs> कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। सो यूजेस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग अब हमने ये देख लिया कि अकाउंटिंग करनी है किस तरीके से करनी है अभी हम देखेंगे यूजेस क्या है यूजेस क्या है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बताइए वट डू थिंक आर दी यूजेस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या लगता है हम क्यों हम किस तरीके से यूज करेंगे पता लगाने के लिए कि वे डजर इकोनॉमी स्टैंड हमें उसको दूसरे दूसरी इकोनॉमी से कंपेयर करना है वी नीड टू कंपेयर तभी तो पता चलेगा कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है ये कौन सी कंट्री डेवलपिंग है ठीक है ना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कॉमन मेट्रिक पे आना पड़ेगा कॉमन परफॉर्मेंस बेंच मार्क पे आना पड़ेगा बेंच मार्क <coughs> एक कॉमन पैरामीटर निकालना पड़ेगा एक कॉमन पैरामीटर निकालना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम इकोनॉमीज को कंपेयर कर सके राइट <coughs> हाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है जो सबसे ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंज्यूम कर रहा है या रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहा है किस तरीके से पता चलेगा जब हम हिसाब किताब रखेंगे चीजों का राइट इट ऑल्सो प्रोवाइड डेटाबाउ इंडिविजुअल टू द इकोनॉमिक सिस्टम इट हेल्प इन फाइंडिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकॉनमी क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हो सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस अकाउंटिंग किस तरीके से बताएगा व्हाट आर दी स्ट्रक्चरल चेंजेस विच हैज बीन देयर इन द इंडियन इकॉनॉमी फॉर एन एग्जांपल व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट व्हेन वी गॉट दी इंडिपेंडेंस आजादी जब मिली थी हमको हमारी इकोनॉमी कैसी थी इट वॉज मोर ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी क्या उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप था क्या उस टाइम सर्विस सेक्टर डेवलप था नहीं बट विद द पासिंग ऑफ ईयर नाउ इंडियन इकोनॉमी इज मोर ऑफ अ सर्विस सेक्टर इकोनमी और इट इज डोमिनेटेड बाई द सर्विस सेक्टर सो इज इट नॉट दी स्ट्रक्चरल चेंज एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी जी डी पी अगर आप देखेंगे इट इज ईयर बाई ईयर समय सम हाउ और सम वॉट डिक्लाइनिंग जितना पहले था एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग एज सर्विस सेक्टर क्या ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है अब एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम होता जा रहा है और अब किसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है

sector is still lacking behind how does the government formulate the policy that the msme sector needs special measures to be uh, to be improved or they need help, or the agriculture sector needs the aid of the government. How do we decide that? How does the government comes to the decision? It comes to the decision depending on the data that is produced here. That is where the government decides that yes, this particular sector needs more of attention. So, nikali government schemes and programs. Just go up mains write in your conclusion. Mein. Right? So, that is what is the use of the national income accounting. नेशनल इनकम की अकाउंटिंग कैसे करनी है उसके लिए फिर से कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा एंड द फर्स्ट एंड द फॉर्मेस्ट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू डेवलप अभी तक आपने सारी पीछे की छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझा था अब वो जितने भी कॉन्सेप्ट हमने समझे थे कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है फैक्टर पेमेंट क्या होती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करते हैं हम चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिप्लाई किया था वो सारा हमने पीछे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझा अब उन कॉन्सेप्ट को कोलेट करने की बारी आ गई है अब उन कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे वील कनेक्ट द डॉट्स एंड अंडरस्टैंड हाउ द इकॉनमी फंक्शन हाउ द इनकम एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्लोज इन द इकॉनमी अब आपकी जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट होगी और ये सारी चीजें एनसीआरटी में दी हुई है बिकॉज हाउ आर वी स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर आर वी स्टार्टिंग वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी एनसीआर इट सेल्फ ठीक है मोटिवेटेड बंदा व्हाट आर यू कॉन्करिंग ऑन क्या चीज यस क्या चीज के लिए यस किया है आपने यस गिग दैट दैट इज 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 व्हाट अगेन एक स्ट्रक्चरल चेंज है आदित्य जब हम बात कर रहे थे जब तक हमने अकाउंटिंग नहीं करी थी तभी तभी तो रिपोर्ट आई नीति आयोग की अभी गिग इकोनॉमी में आई डोन्ट नॉट नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ दिस इनफैक्ट यूट्यूब पे उस पर मैंने लेक्चर भी लिया था कि द रोल ऑफ गिग इकोनमी

You have to spare me for a minute. चलिए सो सो circular फ्लो ऑफ मॉडल में हम क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से जो वेरियस सेक्टर्स ऑफ economy होती है उसमें हाउ द मनी रोटेट्स हाउ द इनकम रोटेट्स हाउ द गुड्स एंड services रोटेट्स अब कोई भी चीज पढ़ने के लिए वी हैव टू अज्यूम सर्टन थिंग्स वी नीड टू नो सर्टन थिंग्स सो वॉट डू वी नीड टू नो देर आर सर्टन प्री रिक्वेस्ट दैट यू नीड टू नो बिफोर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विच इज दैट द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनके लिए जो उनको पेमेंट मिलती है फैक्टर पेमेंट्स बोला जाता है वेज किसके लिए मिलेगा फॉर दी ह्यूमन एलिमेंट जब कोई ह्यूमन लेबर प्रोवाइड करेगा अपनी सर्विसेज अपने स्किल से प्रोवाइड करेगा उसको रिटर्न में क्या मिलेगा वेजेस अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी पर्सन कैपिटल मतलब मनी प्रोवाइड कर रहा है व्हाट विल दे गेट इन रिटर्न दे विल गेट इंटरेस्ट इन रिटर्न? कंट्रीब्यूशन मेड बाय एंटरप्रेन्योर, आपने दुकान खोली है आपने लेबर हायर करी, आपने एक प्रोडक्ट डेवलप किया उसको बेचा व्हाट विल यू गेट इन रिटर्न गेट प्रॉफिट इन रिटर्न लास्ट थिंग इज वॉट लैंड लैंड चाहिए भाई कई दुकान लोगे किराए पे कोई फैक्ट्री कहीं पे लोगे किराए पे या फैक्ट्री स्टैब्लिश करोगे बॉट यू नीड टू हैव फॉर दैट यू नीड टू हैव लैंड फॉर दैट एंड लैंड का रिटर्न लैंड का रिटर्न क्या होता है इट इज द रेंट पी में रहते हो आप हॉस्टल में रहते हो यार आप वॉट आर यू यूजिंग योर सर्विस यू आर यूजिंग लैंड विच इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और आप रिटर्न में क्या दे रहे हो यू आर प्रोवाइडिंग रेंट फॉर दैट रेंट फॉर यूजिंग वॉट यू आर यूजिंग लैंड You're using hostel, you're using PG facility, you're using a factory. In return, what do you have to provide? You have to provide rent for that. So these are the <coughs> four factor payments or four income which rotates in the economy. There are certain things

डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल पड़ेंगे सो इन द टू सेक्टर इनिशियली वॉट यू हैव टू एज्यूम जो हम बिल्डिंग कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट की यू हैव टू एज्यूम की जितनी पेमेंट आ रही है हाउस होल्ड इजेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वो कुछ भी सेव नहीं कर रही है जितना सौ रुपए आए सौ के सौ रुपए हमने गुड्स एंड सर्विस में खर्च कर दिए

ऑन्टरप्रेनोरशिप और बिजनेस मैन में क्या डिफरेंस है इट इज़ ऑलमोस्ट वन ऑफ द सेम थिंग बिजनेस में मैन एज एन ऑन्टरप्रनोर जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं दे अंडरटेक द रिस्क ऑफ रनिंग बिजनेस एंड इन रिटर्न ऑफ द रिस्कट दर्सन टेकन द बिजनेस मैन हैजिन वॉट डैट पर्सन गेट्स इन रिटर्न इज द प्रॉफिट ठीक है नो डिस्पोजबल इनकम शबीर नहीं हैं बहुत आगे चले गए बहुत आगे चले गए अभी तो आप आपकी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है ये सारा डिस्पोज ही तो कर रहे हैं मैंने क्या बोला कि जितना पैसा आ रहा है हाथ में एवरीथिंग दे आर डिस्पोजिंग ऑफ मतलब एवरीथिंग इज बीइंग स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी सेव नहीं हो रहा है कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड अब हम स्टार्ट करेंगे कि जी डी पी ऑफ द कंट्री किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है तो जी डी पी हमें पता लगाना हो कि कितने गुड जी डी पी इज़ वॉट क्या था जी डी पी इट इज़ दी फाइनल इट इज़ दी मॉनिटरी वैल्यू क्या था मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री अब किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अभी दीरे, 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 दीरे होंगे हमारे सारे. तो स्टार्ट करते हैं हमारे से. क्या हम पढ़ रहे थे किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से जो फैक्टर पेमेंट्स है वो रिवॉल्व करती है एक इकोनॉमी में किस तरीके से घूमती हैं बिटवीन द डिफरेंट एन इकोनॉमी तो टू सेक्टर मॉडल तो पहले हम मॉडल <coughs> देखते हैं टू सेक्टर बोला तो दो सेक्टर्स कौन से है एक सेक्टर हो गया फर्म फर्म मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मान लीजिए ठीक है हाउस होल्ड हो गया दूसरा सेक्टर टू सेक्टर मॉडल दो सेक्टर्स एक सेक्टर हो गया फर्म दूसरा सेक्टर हो गया हाउस होल्ड फर्म्स क्या करेंगी फर्म्स करती है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए उनको क्या चाहिए होती है लेबर चाहिए होती है लेबर कौन प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड यहां से हाउस होल्ड से लोग निकल के गए मतलब लेबर गई लेबर इज वॉट लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गए फर्म्स में इन रिटर्न वॉट विल दे गेट फॉर प्रोवाइडिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे विल गेट मनी इन रिटर्न तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन दिस डायरेक्शन इन रिटर्न आर गेटिंग दे आर गेटिंग मनी इन रिटर्न और हमने क्या बात करी थी जब हमने जमशन पढ़ा था दैट वॉट एवर द मनी द हाउस होल्ड आर गेटिंग दे आर एंटायरली स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज वो कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं तो ये जो मनी आया अब मनी इज स्पेंड ऑन ऑल वॉट बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज कौन बेच रहा है ये फॉर्म्स क्योंकि इन्होंने लेबर को यूज करके गुड्स बनाए थे अब ये जितना भी मनी आया हाउस होल्ड के पास दे विल कम टू दिस फैक्ट्री दे विल बाय ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज एंड और यह सारे गुड्स एंड सर्विसेस इधर आ गए तो क्या देख रहे हो आप कि जो मनी है इट इज रोटेटिंग बिटवीन दीज टू सेक्टर्स ओनली द गुड्स एंड सर्विसेज इज रोटेटिंग बिटवीन दीज टू सेक्टर्स ओनली पहले पैसे कमाए ठीक है इनके पास क्या आ गया पैसे के बदले गुड्स एंड सर्विसेज उसके बाद यही पैसा ये हाउस होल्ड वही पैसा लेके गए यहाँ पे फॉर्म्स के पास एंड इन रिटर्न वॉट दे आर गेटिंग इज मनी सॉरी द गुड्स एंड सर्विसेज मनी इधर गया गुड्स एंड सर्विस इधर आ गया सो दिस इज वॉट इज टू सेक्टर मॉडल्स सो दिस इज हाउ वॉट दे शो इज कि किस तरीके से चीजें फ्लो हो रही है इन दोनों सेक्टर्स ऑफ इकोनमी के बीच में इस पे ऐड करते हैं थ्री सेक्टर मॉडल अभी तक हमने कितने सेक्टर मॉडल टू सेक्टर थे जहां पे डिमांड गेट्स फुलफिल्ड ठीक है जिसको जो चाहिए उसको वहां मिलता है एक कॉमन प्लेस होती है तो फाइनेंशियल मार्केट किस चीज की नीड सेटिस्फाई कर रही है फाइनेंसिस की मनी की

बैंक इसी पैसे को एज अ लोन दे देगी किसको दिस विल बी बोरो दिस विल बी लेंड टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ठीक है पैसा यूज करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो फैक्ट्रीज है जैसे फर्म सेक्टर टू सेक्टर मॉडल में पढ़ा था फर्म्स तो ये फर्म्स को ये मनी यूज करने के लिए कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा व्हाट विल दे प्रोवाइड इन रिटर्न दे विल प्रोवाइड इंटरेस्ट इन रिटर्न ठीक है

वॉन्ट टू अर्न इंटरेस्ट ऑन दो नाउ यू सी हाउ द मनी इज गेटिंग रोटेटेड वो ही सेम हाउस होल्डिंग वॉट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेस प्रोडक्शन टू दी टू दिस फर्म सेक्टर इन रिटर्न दे आर गेटिंग फैक्टर पेमेंट सारी चीजें सेम चल रही है फैक्टर पेमेंट्स में से कुछ पोर्स देव एंड कुछ पोर्स दे स्पेंड ऑन दी बाइंग गुज एन सर्विसेज एंड इन रिटर्न यहाँ पे क्या गुज एन सर्विस फ्लो करेंगे सेम है बस हमने एक चीज़ और ऐड कर दी हमने गवर्नमेंट सॉरी फाइनेंशियल मार्केट्स ऐड कर दिए थे हमने बैंकिंग सेक्टर ऐड कर दिया था टू चैनलाइज दी सेविंग क्योंकि हम ये थोड़ी एज्यूम कर सकते हैं कि <coughs> कोई भी सेविंग नहीं होगी इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता कुछ चीज़ें हाउस होल्ड सेव भी करता है सो टू चैनलाइज सेविंग वी नीडेड एन इंटरमीडरी एंड देट इज वेर दाइनेंशियल मार्केट कम्स इन पिक्चर ठीक है चलते हैं अभी हमने पढ़ा था थ्री सेक्टर मॉडल अब हम एक और सेक्टर ऐड कर देंगे एक और सेक्टर हमने जब ऐड किया वो क्या था गवर्नमेंट अभी तक गवर्नमेंट का रोल नहीं था अभी तक हम चीजें रोटेट कर रही थी बिटवीन दी हाउस होल्ड सेक्टर एंड फॉर्म सेक्टर बिटवीन दी हाउस होल्ड सेक्टर एंड फॉर्म सेक्टर फिर आ गया बीच में फाइनेंशियल मार्केट नाउ वी आर एडिंग वन मोर सेक्टर विच इज दी गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट आ गई है तो गवर्नमेंट क्या लेगी गवर्नमेंट टैक्स लेगी किसे लेगी फैक्ट्री से भी लेगी हाउसहोल्ड से भी लेगी हमसे लेगी इनकम टैक्स फॉर्म से लेगी कॉर्पोरेट टैक्स एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे जीएसटी कलेक्ट करेगी ठीक है नाउ यू सी सेम हर चीज सेम है यहां से फैक्टर पे फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही थी यहां से रिटर्न में क्या आ रहा था रिटर्न में आ रही थी फैक्टर पेमेंट्स ठीक है ना पेमेंट आ रही थी तो हाउसहोल्ड उसमें से कुछ सेव कर रहे थे और जाके डिपॉजिट करा रहे थे फाइनेंशियल सिस्टम में बाकी पैसा वो फिर से क्या कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में लगा रहे थे तो पैसा लेके गए गुड्स एंड सर्विसेज इस डायरेक्शन में आया ठीक है इस वाले में एक और एलिमेंट आ गया विच इज गवर्नमेंट गवर्नमेंट इनसे क्या लेगी गवर्नमेंट लेगी टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस ये देखो टैक्सेस गवर्नमेंट यहाँ से भी क्या लेगी टैक्सेस ठीक है ना कुछ पैसा टैक्स के रूप में जाएगा

नाउ यू सी दी मनी इज फ्लोइंग बिटवीन दी फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी तो धीरे धीरे हमने सिंपलीफाइड फॉर्म पढ़ा उसका फिर हमने थोड़ी कॉम्पलेक्सिटी एड करी बाई एडिंग मन मोर सेक्टर नाव वी हैव एडेड अनदर सेक्टर विच इज दवेंट से राइट नाउ नेक्स्ट अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई कंट्री सेल्फ सफिशियंट हो सेल्फ रिलायंट हो टोटली जो चीज उसको चाहिए वो खुद प्रोड्यूस करती हो दे डो नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन दी अदर कंट्रीज ऐसा नहीं हो सकता वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग एंड एवरीथिंग So what we have to resort to is the export and import, okay? So one more now in the sh this should be five sector model. Sorry, this should be five sector model. In the five sector model, the last sector is added, which is the foreign nations with which what we do. What do we deal with? Ham export, we import. Bhi karte. These are. एक्सपोर्टिंग ऑल्सो एंड वी आर इम्पोर्टिंग ऑल्सो तो मनी यहां पर भी फ्लो हो रहा है तो देखो ना आपने कहा स्टार्ट किया था पहले आप दो सेक्टर्स के बीच में ही फ्लो ऑफ इनकम पड़ रहे थे बीच में फाइनेंशियल मार्केट आ गई जो चैनलाइज कर रही थी आपकी सेविंग्स फिर उसके बाद आ गया गवर्नमेंट सेक्टर जो आपसे टैक्सेस ले रहा था लेकिन रिटर्न में आपको सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा था एंड नाउ द मनी इज ऑल्सो फ्लोइंग अक्रॉस द नेशन आउटसाइड दी ऑफ द कंट्री एंड हाउ डज द मनी फ्लो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा आएगा रिटर्न में इम्पोर्ट करोगे तो हमको बिल पेमेंट करना पड़ेगा सो नाउ द मनी इज फ्लोइंग आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री अमंग्स द नेशन ऑल्सो एंड दैट इज हाउ द मनी फ्लोज इन द इकॉनमी बिटवीन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकॉमी सेक्टर्स ऑफ इकॉनॉमी कैसे हो गए हाउस होल्ड सेक्टर फॉर्म्स गवर्नमेंट आउटसाइड द नेशन ऑफ द फॉरन नेशंस आ वी क्लियर विद दिस बताइए आर वी गुड टू गो ये चीजें समझ आ गई कॉन्सेप्ट क्या आपको लगता है पढ़ना थोड़ा हो जाएगा आपके लिए क्योंकि अभी तक तो समझ ही नहीं आता था कि किस तरीके से NCRT को पढ़ना है ही समझ नहीं आते सी आर yes. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम फाउंडेशन में पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्टर को एक्सटर्नल सेक्टर में हर साल प्रम्स में दो तो है ही है तो एक्सटर्नल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डिटेल में ऑल टूगेदर पढ़ेंगे हम जब अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में आर वी गुड टू गो शबीर सेज यस रफ्तार सेज यस तारक अबाउट द अदर्स आबी गुड टू को चीजें क्लियर कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए कुछ चीजें क्लियर हुई क्या इकोनॉमिक्स ईजी लगनी स्टार्ट हुई जो अभी तक बहुत ज्यादा भय था, था कहीं ना कहीं बहुत एप्रीशन था नहीं समझ आता मैम टेक्निकल लगती है बिल्कुल कुछ क्या है क्या कॉन्सेप्ट है, right? चलते हैं अब आगे तो ये हमने देखा था अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हाउ इज द मनी इज फ्लोइंग बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी ठीक है अब हम देखेंगे व्हाट इज व्हाट इज टू मेजर द नेशनल इनकम हमने क्या देखा था गुड्स एंड सर्विसेज हम किस तरीके से परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे थे ऑन दी बेसिस ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी नाउ हाउ डू वी डिराइव कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना तो कितने गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स प्लस सर्विसेज कितने बन रहे हैं इकोनॉमी में उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा सो देर आर थ्री डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग देर आर थ्री डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूज इन एन इकोनॉमी सो द मेथड्स आर फर्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड अनदर इज इनकम मेथड एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड तीनों को हम बात करेंगे तीनों को हम पढ़ेंगे दैट एंड वॉट डज दिस मेथड शोज कि गुड्स एंड सर्विसेज भाई कैलकुलेट करना है जब गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं देर वुड बी सम

उसको जब हम प्लस कर देंगे उसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस राइट सो वैल्यू एडेड किस तरीके से डिफाइन करते हैं इट इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट सौ रुपए की आइसक्रीम थी सौ रुपए की कुल्फी थी उसमें से हम रिड्यूस कर देंगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन जितनी भी हमने रॉ मटेरियल्स यूज़ किए थे इंटरमीडिएट गुड्स यूज किए थे ये सौ रुपए की कुल्फी बनाने के लिए उसको हम क्या कर देंगे हम उसको उसमें से रिड्यूस कर देंगे क्या था ट्वेंटी प्लस थर्टी यही वैल्यू थी चीनी और दूध की ठीक है अगर हम इन सबको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग वो हम समझ चुके हैं हमें नहीं करना है सो वैल्यू एडिशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडिशन इज कैलकुलेटेड और डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो सौ में से इफ सौ रुपए की इज द आइसक्रीम उसमें से हम रिड्यूस कर देंगे फिफ्टी माइनस ट्वेंटी सो सौ में से जब हमने घटा दिया फिफ्टी तो हाउ मच इज़ वैल्यू एडिशन it is 50 so 50 is what it is the how do we calculate the value of it ka gdp of the country it is the 50 it is the what it is the final value of good which good final it is the monetary value of final good and service produced in a country so what is the monetary value of final good it is rupees 50 so in the value added method what are we doing we are <coughs> जस्ट एडिंग द वैल्यू एडिशन दैट टेक्स प्लेस एट वन और एवरी लेवल सो वैल्यू एडिशन किस तरीके से कैलकुलेट करते वी कैलकुलेट इट दिस वे सो वही सेम क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था ट्वेंटी प्लस फिफ्टी प्लस हंड्रेड होना चाहिए या थर्टी प्लस फिफ्टी आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए क्या आंसर होना चाहिए वेदर इट शुड बी ए और वेदर इट शुड बी बी ऑप्शन देख लो फिफ्टी प्लस ट्वेंटी एंड हंड्रेड वट शुड बी दी वैल्यू वॉट शुड बी दी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ग्रॉस वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट में वीडियो भी बनाया था कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द जी डी पी एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड आई डो नॉट नो फिर से आप लोगों ने कितने देखा फिर आप लोग कंप्लेन करते हो मैम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे भाई जब आप देखोगे ही नहीं जब आपके लिए फैकल्टीज ऑलरेडी दे आर पुटिंग इन सो मच एफर्ट बट यूर नॉट मेकिंग दस्ट यूटिलाईजेशन ऑफ रिसोर्सेस देन हाउ केन यू एक्सपेक्ट की मेरापन विद यू नो इट विल नॉट यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स ठीक है चलिए सो इन वैल्यू एडेड मेथड डू वी डू वी वी द आउटपुट दैट कम्स आउट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड जो कि आदित्य ने बिल्कुल सही बताया कि जो फाइनल फिगर आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं देन वी गो टू वैल्यू ऑफ और वी गेट दी वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्योंकि अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हम जब कुछ <coughs> हम उसमें चीजें हम <coughs> उसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे दैट इज वेयर वी कम टू दैल्यू ऑफ नेशनल इनकम इफ ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस द मशीनरी गोस थ्रू एनी वेयर एंड टेयर अब जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स मशीनरी भी यूज हुई थी ठीक है तो मशीनरी में वेयर एंड टेयर भी होता है मशीनरी घिसती है कई बार रिपेयर कराना पड़ता है कई बार टूट जाती है वॉट इज दैट दैट इज वॉट इज डिप्रिसिएशन

ठीक है सो जीवीए वेरी गुड आदित्य आई एम एक्चुअली लाइकिंग द वे यू आर वेरी मच एक्टिव ऑन चैट बॉक्स जीवीए इज इक्वल टू जी डी पी प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सिस कंसेप्टनॉमिक्स वीडियो जाइए और देखिए सो विद दिस वी आर डन विद वॉट वी आर डन विद वैल्यू एडेड मेथड जीवीए में हम क्या एडजस्ट करेंगे जीवीए में हम एडजस्ट करेंगे डेप्रिसिएशन भी डिप्रीसिएशन भी करेंगे क्योंकि हमें नेट वैल्यू पे आना है इससे आ जाएगा नेट वैल्यू एडेड अब नेट वैल्यू एडेड में क्या करना है हमको टैक्सेज एंड सब्सिडीज का एडजस्टमेंट करना है ये सारी चीजें सीखेंगे बट अभी आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि जीडीपी कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं वन ऑफ द मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या कर रहे हैं वट एवर द वैल्यू एडिशन इज टेकिंग प्लेस एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन उसको जब हम ऐड कर देते हैं सो वी कम एट द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस दूसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड एक छोटा सा होमवर्क बिफोर आई स्टार्ट अदर सेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम तीन मेथड्स पढ़ेंगे आज वैल्यू मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड वॉट यू हैव टू फाइंड आउट इज कि विच मेथड डज इंडिया यूज इन कैलकुलेशन ऑफ इट्स नेशनल इनकम नेशनल इनकम यू कैलकुलेट करने के लिए विच डज इंडिया रिसोर्ट टू वैल्यू एडिशन मेथड डज इट रिसोर्ट टू एक्सपेंडिचर मेथड और डज इट रिसोर्ट टू दी इनकम मेथड ठीक है चलिए एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है अनदर दैट्स द अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग दी जी डी पी तीन मेथड थे तीन में से एक कर लिया दूसरा मेथड

विच आर देयर इन द इकोनमी एक ही टाइप का भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसका एक्सपेंडिचर हमारे एक्सपेंडिचर से अलग होता है हम एक्सपेंडिचर किस पे करते हैं प्याज खरीदने में टमाटर खरीदने में चावल खरीदने में आटा खरीदने में शैम्पू खरीदने में चप्पल खरीदने में क्या गवर्नमेंट भी ये सब खरीदती है गवर्नमेंट ये सब भी खरीदती है साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है जो ये डैम्स बन रहे हैं फ्लाईओवर्स बन रहे हैं रेलवे ब्रिजेस बन रहे हैं मेट्रो लाइन जो है uh, बना रही है गवर्नमेंट वॉट इज दैट एरोप्लेन डिफेंस इक्विपमेंट्स वॉट इज दैट क्या वो कंजम्पशन गुड्स हैं नो दोज आर नॉट कंजम्पशन गुड्स वॉट आर दोज देन चलिए सो वी हैव टू टॉक अबाउट द वेरियस एक्सपेंडिचर हमने क्या बोला एक्सपेंडिचर मेथड में हम सारे जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं कंट्री में उनको जब एड कर देते हैं सो वी कम टू दी वैल्यू ऑफ जी डी पी और उसमें जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हम आ जाएंगे वी डिराइव और वी कम टू दी वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम बट फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वट आर दी वेरियस एक्सपेंडिचर विच आर डर इन द इकोनोमी तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है वी नीड टू नो वट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर The first expenditure is the consumption expenditure or the consumer expenditure. Now, what is this consumption or the consumer expenditure? Expenditure which is done by the households or by the residents. Expenditure done by the households. Expenditure done by the households on goods and services is what is denoted by C. Is what is denoted by C. Okay? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज वॉट गवर्मेंट भी कंज्यूम करती है गर्वमेंट को भी प्रिंटर चाहिए गवर्मेंट को भी पेपर चाहिए गवर्मेंट को भी कंप्यूटर चाहिए गवर्मेंट भी सैलरीज दे रही है ठीक है सो इट इज दर डन बाई दवर्मेंट ऑन गुड्स इन सर्विस डिनोटेड बाई जी तो हमें हम सी में प्लस करेंगे जी प्लस करेंगे उसमें आई ना वट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सो वट एवर वी आर स्पेंडिंग ऑन क्रिएटिंग कैपिटल असेट्स अब कैपिटल असेट्स क्या होते हैं याद है हमने पढ़ा था कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स क्या क्या थे कैपिटल गुड्स की क्या होते थे जिसकी मदद से हम दूसरे कंज्यूमर गुड्स बना पा रहे हैं विच आर रीपिंग बेनिफिट्स इन द फ्यूचर जो हमें रिटर्न दे रहे राइट सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज वॉट व्हाट एवर वी आर स्पेंडिंग ऑन क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स ऑन दी क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स पढ़े थे ना कंजम्शन गुड्स कैपिटल गुड्स सो वॉट एवर वी आर स्पेंडिंग ऑन क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ जैसे रेलवे ब्रिजेस हो गए डैम्स हो गए फ्लाईओवर हो गई मेट्रो लाइन हो गई ठीक है ना वट एवर वी आर स्पेंडिंग टू क्रिएट दैट प्लस कर देंगे विच इज डिनोटेड बाई आई एंड लास्ट डू वी वी हैव हैव टू इज दी डिफरेंस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्योंकि हम इंपोर्ट से कमा इंपोर्ट से खर्चा कर रहे हैं एक्सपोर्ट से हम कमा रहे हैं तो उसका भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमने पढ़ा था फाइव सेक्टर मॉडल में दैट द मनी ऑल्सो फ्लोज इन द एक्सटर्नल सेक्टर आउटसाइड द नेशन हमारा पैसा वहाँ जाता भी है और वहाँ से पैसा आता भी है सो वी हैव टू मेक एन एडजस्टमेंट फॉर दैट ऑल्सो सो अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड वॉट डू वी डू वी एड द डिफरेंस हम इम्पोर्ट में से कितना गया और एक्सपोर्ट से कितना आया <coughs> उसको एडजस्ट करके हम क्या बोलते हैं इट इज डिनोटेड बाई एन एक्स विच मीन्स नेट एक्सपोर्ट एक्स मीन्स एक्सपोर्ट्स आई मीन्स इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट इज नॉट डिनोटेड बाई ई याद रखिएगा कहो मैम ई e से होता है एक्सपोर्ट्स नहीं एक्स शोज एक्सपोर्ट्स सो वॉट एवर इज द एडजस्टमेंट एक्सपोर्ट्स से कितना आया इम्पोर्ट्स में कितना गया उसका प्लस माइनस करके वी एडेड बाई दी नेम ऑफ एन एक्स दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स सर नाउ वेन वी एड सी प्लस जी प्लस आए प्लस एन एक्स हमें क्या आ जाता है बी कम टू दैल्यू ऑफ द मॉनिट्री वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडूस इन द कंट्री वॉट इज दॉनिटी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूज दंट्री इट इज दी जी डी पी ऑफ दी कंट्री बताइए कोई दिक्कत है तो आ भी गुड टू गो अभी तक जितना पढ़ाया दो मैथड्स पढ़े हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनमी मतलब जो किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा हमने उसमें तीन चार मॉडल्स पढ़े क्या वो समझ आया क्या वो कोई डाउट था वहाँ पे उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जी डी पी कैल्कुलेट करनी है क्या इस चीज में कोई डाउट है आपको ज की क्या हमने पढ़ा था अभी वैल्यू एडिशन मेथड फिर हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड डू यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस डू यू हैव एनी डाउट आई थिंक वी आर गुड टू गो आई थिंक सारी चीजें आपको समझ आ गई है सो नाउ लेटस मूव ऑन टू दास्ट लास्ट टॉपिक ऑफ द डे विच इज द इनकम मेथड

आपको पता है चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड है लेबर है कैपिटल है और ऑन्टरप्रनोरशिप है इनके रिटर्न में <coughs> क्या चीजें आती हैं वॉट आर वी गेटिंग फॉर प्रोवाइडिंग लेबर लेबर प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या मिलती है वेजेस विच इज द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द इनकम मेथड नेक्स्ट इज रेंट रेंट क्यों मिल रहा था अगर कोई लैंड प्रोवाइड कर रहा है लैंड प्रोवाइड कर रहा है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिटर्न में क्या आएगा रेंट कोई कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है कोई कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है कैपिटल इज वॉट मनी बैंक प्रोवाइड कर रहे थे मनी सो दे गेट इन रिटर्न दे विल अर्न इंटरेस्ट हुन दी ऑनटर ऑनटरप्रोर वॉज दर ऑफ प्रोडक्शन उसको भी तो रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए विच इज प्रोफिट एंड लास्ट इज वॉट इज मिक्सड इनकम चार टाइप ऑफ इनकम पड़ी ना व्हाट इज मिक्सड इनकम सो so, स्टूडेंट बहुत बार होता है जब हमारा खुद का घर का बिजनेस होता है ठीक है ना सो समटाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू दैट हाउ मच इज दी प्रॉफिट एंड हाउ मच इज सैलरी मान लीजिए मैं खुद की एक कंपनी चला रही हूँ मैं ही employee ही मैं सो हाउ वुड आई डिफरेंशियट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिफरेंशियट कि मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए क्योंकि सैलरी भी मेरी है क्योंकि मैं ही मैं ही वहां काम कर रही हूँ मैं ही इंप्लॉयर हूँ मैं ही इंप्लॉय दैट इज वॉट कम वेयर कम्स दी कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सड इनकम वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश कि कितनी सैलरी होनी चाहिए और कितना प्रॉफिट होना चाहिए क्योंकि एक ही बंदा है जो कंपनी चला रहा है मैं ही वहाँ काम कर रही हूँ तो मैं आइडली जो लेबर प्रोवाइड कर रही हूँ उसके लिए मुझे सैलरी मिलनी चाहिए ठीक है बट सैलरी कैसे मिलेगी कंपनी मेरी है तो आइडली तो प्रॉफिट मेरा हुआ सो वी आर नॉट क्लियरली एबल टू डी मार्केट एज टू हाउ मच इज दी सैलरी एंड हाउ मच इज दी प्रॉफिट सो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे मिक्सड इनकम की कैटेगरी में डालेंगे सो दैट नन काइंड ऑफ इनकम और नो काइंड ऑफ इनकम इज लेफ्ट आउट वाइल कैल्कुलेटिंग दी डी पी ऑफ दंट्री सो नाउ वैन वी एड ऑल ऑफ दीज इनकम ना वैन वी एड ऑल ऑफ दीज इनकम विच इज वेजेस विच इज रेंट विच इज प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्सड इनकम प्लस मिक्सड इनकम वॉट डू वी कम एट वी कम एट दट जी डी पी ऑफ दी हो गए तीन मैथड तीन मैथड की बात करी दे आर थ्री मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग जी डी पी ऑफ दी तो तीन अलग अलग मेथड से कर लिया नाओ मैंने आपको एक चीज होमवर्क क्या बोली थी

कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं वो आज हमने सीख लिया है हमने निकाल लिया है कि हमने देख लिया है कि हाउ डू वी कम टू दी कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री किस तरीके से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं हमने देख लिया है किस तरीके से उसकी वैल्यू डिराइव कर ली हमने देख लिया है फ्रॉम नाउ इन दी नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट मैराथन होगा वहां पर हम देखेंगे कि जी को किस तरीके से क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं दैट इट विल गेट कन्वर्टेड नेशनल इनकम

अब आपकी ड्यूटी है जाके जितनी एनसीईआरटी अभी तक हमने कवर कर ली है मैक्रो इकोनॉमिक्स की ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की यूपीएससी के लिए उसको पढ़ना है क्योंकि अब जब आप अप्रोच करोगे यू विल फाइंड इट वेरी इजी एंड पीडीएफ चाहिए ऑब्वियसली चाहिए नोट्स बनाए होंगे आई एम श्योर विश्वास है मुझे आप लोगों पर पीडीएफ यू विल फाइंड ऑन माई टेलीग्राम चैनल विच इज इकोनॉमिक्स विद नानकी आफ्टर द क्लास ठीक है सो स्टेट डेफिनेटली आई कम अप विद Uh, rest of the part with the another marathon session on macroeconomics so stay tuned till then and all the best to all of you